गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? पहले मैपिंग कर लें क्या? है ना तो फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स पे आते हैं एक एक. चलो आसाम बना के आए हो? चलो कल चेक करता हूँ, कल चेक करता हूँ. अच्छा, जब मैप बनाते हो ना तो थोड़ा उसको और जानने की कोशिश करेंगे हम कि कितने अंदर तक, जैसे उसकी नदियाँ कैसी हैं, है ना. कोशिश करें उन नदियों को देखने की, उसकी जो पहाड़ियाँ है जिसको टोपोग्राफी बोलते हैं उसमें ज्योग्राफी में, उसको ठीक से जानने की कोशिश करेंगे. जो उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है, अभयारण्य वगैरह है, उसको ध्यान से देखेंगे, है ना. एक एक जो उसके NH वगैरह हैं, नेशनल हाईवे वगैरह हैं, वो देखेंगे. उसके साथ आपको ट्रेन रूट वगैरह भी देखना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसका कंसर्न जो है वो डेवलपमेंट से होता है. अगर ट्रेन कहीं से गुजरती है तो वहाँ का जनजीवन जो है वो प्रभावित होता है ना, होता है ना. तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा हमको. वे सारी चीज़ें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ध्यान से देखें, और बाकी थोड़ा बहुत अंदर हम चलेंगे. और जो जो टीचर आते जाएंगे, जो अपना अपना सेक्शन पढ़ाते जाएंगे, तो वो जो उनका एरिया होगा वो आप वहाँ पे जोड़ते जाएंगे, है ना. चीज़ों को अब जोड़ जोड़ के लिखना भी है हमको. तो असम कर रहे थे, मतलब शुरू करना है हमको असम. बाकी आपने असम देख ही लिया होगा. जब मैप बना लिया है तो असम में ब्रह्मपुत्रा भी देख ली होगी, ब्रह्मपुत्रा नदी देख ली होगी ना. ठीक है, ये है असम, है ना. असम बोलते हैं. असम की चाय भी बहुत फेमस है, पता है, असम टी. और असम का एक चीज और बहुत फेमस है, वो है सिल्क. दो चीज है स्पेशली, और भी बहुत कुछ है. असम के लोगों का जो कल्चर है, असम का जानना चाहिए ना हमको कल्चर. अगर हम असम का कल्चर जानेंगे, असम की ज्योग्राफी जानेंगे, असम की सोसाइटी जानेंगे, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी विरासत को समझेंगे, जब हम असम के और जो अभी स्थितियाँ हैं, बिजली, पानी, सड़क, रेलवे, जो चीज़ें और हैं, उन सब चीज़ों को जब हम समझेंगे तब हम इसकी इकोनॉमी को समझ पाएंगे, तब हम समझेंगे कि इसकी गवर्नेंस को लेकर के क्या समस्याएं हैं, इसका गवर्नेंस कैसे हो सकता है, ना. अभी इसमें हम बोडो लैंड वगैरह भी देखेंगे, बोडो का मुद्दा देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे. अब असम जो फेमस है वो यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी है, ठीक. और जो सिल्क का उत्पादन काफ़ी है, तो सिल्क के, तो सिल्क से संबंधित बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो वर्ल्ड, है ना, उनका एक ब्रांड नेम तक है. ऐसा ही एक गांव है सुआलकुची, इसका सिल्क जो है वो बहुत फेमस है. अच्छा, सिल्क होता क्या है? सिल्क पहना तो होगा ना हम लोगों ने, पहना तो है, देखा तो है ही है. सिल्क देखा ही नहीं है? देखा है, महिलाओं ने देखा होगा, मतलब गर्ल्स ने देखा होगा, बॉयज ने. अरे देखते हैं सिल्क का कुर्ता उर्ता, यार पुराने समय में बड़ा इम्पोर्टेंस था. आजकल जो है वो सिल्क की साड़ियाँ बड़ी महंगी आती. ये जो सिल्क पैदा होता था तो सिर्फ भारत में नहीं पैदा होता, ये बहुत पहले से पैदा होता है. तो सिल्क जैसे जो पैदा हुआ वो चीन से मूल रूप से ये शुरू हुआ, जब चाइना में सबसे पहले सिल्क जो है उसको बनाने का तरीका खोजा गया, वहाँ से वो भारत में आया है, है ना. कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि नहीं, भारत में कुछ लोगों ने खुद ही उसको तरीके को जाना. लेकिन अब एक स्टोरी है बड़ी अच्छी सी थी कि चाइना में एक राजा हैं, है ना, उनका अपना एक सेनापति वगैरह है. तो वो एक बार जो है वो एक बाग में टहल रहे हैं, तो वो लोग गरम सूप पिया करते थे,
तो उसमें जो है एक टुकड़ा कुछ आके गिर जाता है, गोल गोल सा रहता है। तो जब वो गिर जाता है तो वो उसको निकालने लगते हैं, निकालने लगते हैं तो उसमें से धागा निकलने लगता है। तो जब धागा निकलने लगता है उसमें से, तो वो उसकी पहचान हो जाती है कि इस धागे से कुछ बुना जा सकता है। तो वो जो धागा निकला वही जो था वो सिल्क था, है ना। नाम इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि नाम यूज़ करने पे समस्या ये होती है कि हमारा सारा ध्यान ना नाम की ओर हो जाता है, फैक्ट की ओर, और फिर हम रियल अंडरस्टैंडिंग से दूर होते चले जाते हैं, है ना। तो नाम बाद में इकट्ठे एक साथ जानना चाहिए। अब ये सिल्क बनता कैसे है ये हमें जानना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, अभी जानने के बाद पहनने का मन नहीं होगा सिल्क। ये आपका सिल्क है, ऐसे कपड़े देखे हैं ना, ये सिल्क रूट है। सिल्क जो था ना चीन में था, जो इंडिया में, देखो ये वही असम वाला एरिया है ना, ये नॉर्थ ईस्ट वाला ही तो है जो देख रहे हैं मैप में हम लोग, वही वाला है ना। तो देखो ये कोरिया वाला है, चाइना से कोरिया पहुंचा था। तो सिल्क जो है इस रूट से सिल्क का ट्रेड होता था, और पहले क्या था ना, वस्तुएं बदली जाती थी आपस में। तो ये पूरी दुनिया जो है व्यापार के माध्यम से जुड़ी हुई थी आपस में। इसमें ये वाला था, सड़क वाला भी था, और ये मैरिटाइम समुद्री वाला भी था, समुद्री भी था। दोनों तरह के रास्ते थे जिनसे व्यापार करता था। यहाँ वाला नाव लेकर के ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, है ना, लोग आते थे। असल में ये जो रास्ते थे ना, ये रास्ते ऐसे नहीं थे, ये जो रूट था सिल्क रूट, ये ऐसा नहीं था कि आप समझ लो कोई सड़क बनी हुई थी, बल्कि इसमें अलग अलग छोटे छोटे राजाओं के एरिया होंगे ना, छोटे छोटे राजाओं के एरिया होंगे ना। तो जो राजाओं के एरिया थे उसमें क्या होता था, जैसे इस एरिया तक किसी का एक का है, तो वहां तक उसकी कंट्रोलिंग सिक्योरिटी सब वो देता था। अगले वाले में फिर वो अपना सामान वामान लाद के आगे गए, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे की होती थी, तीसरी होती थी, चौथी, पांचवी, ऐसे ऐसे करके होती थी। तो सबको टैक्स देना पड़ता था। अभी इसी रूट को चीन फिर से जिंदा कर रहा है ना। तो उसमें क्या है कि चूंकि अलग अलग अब देश हो गए हैं ना, ये अब तो मुल्क होते हैं, देश होते हैं ना, कि नहीं है, देखा है ना। तो अब जो ये देश हैं, जो राष्ट्र हैं, उनसे ट्रेन गुजर रही है। तो ट्रेन गुजर रही है तो जिस टेरिटरी में पड़ेगा वो कुछ टैक्स वगैरह लेगा कि नहीं लेगा। तो देशों की आपस में सहमति होगी तब ये रूट जिंदा होगा। अभी बहुत कुछ हो गया है, यूरोप तक पहुंच गई हैं चीज़ें, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसको हम सिल्क रूट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि सिल्क जो पैदा हो रहा है उसका व्यापार हुआ करता था पहले से, इसलिए इसका नाम जो है वो सिल्क रूट हुआ। और जो ऐसा नहीं था कि और चीज़ों का व्यापार नहीं होता था, लेकिन जो मेजर ट्रेड था वो सिल्क का था, सिल्क महत्वपूर्ण था उसमें, ठीक। तो कल हम जब पढ़ेंगे ना सिल्क रूट वगैरह तो समझ में आएगा इस कारण से था, है ना। ये नहीं लगेगा कि बड़ा हैवी हैवी सा था कुछ, ठीक। ये कल्टीवेशन है, मतलब ये पेड़ उगाए जा रहे हैं। अब ये एक खास तरह का, अभी बताता हूँ, कई तरह के सिल्क होते हैं, कौन किस पे होता है। जैसे ये पेड़ हैं, ये उगाए जा रहे हैं, खुद भी पैदा होते हैं, जंगल होते हैं। इन पेड़ की पत्तियों को एक खास तरह का कीड़ा है जो खाता है, कीड़ा जो है वो उसको खाता है। ये छोटे छोटे अंडे हैं, अब इससे निकलेगा, ये सिल्क वार्म कहते हैं। ये शहतूत है, समझ रहे हो ना, को जो है पहले लगाते हैं, छोटी डंडियों में से खोद देते हैं, तो बाद में पूरे पूरे पेड़ आते हैं, वो पेड़ पैदा किया जा रहा है अभी,
अब ये उसने अंडे दिए, अब उनसे सिल्क वार्म हो जाएंगे। ये वाम जो है वो पत्तियों को खाते हैं, सिल्क वाम, वाम। ये देखो उसकी पत्तियां जो हैं वो इस पे बिखेर दी गई हैं और इसको ये खाएगा। ये पैदा होते ही खाने लगते हैं, ये लगातार खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और जब खूब खाने के बाद बाद में क्या होता है, ये एक चीज उगलते हैं, वो धागे की तरह होती है ना, जो उगलते हैं वो इतना उगलते हैं कि धीरे 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 अपने चारों ओर जो है एक कोट बना लेते हैं और उसके अंदर ही ये चले जाते हैं। असल में इन ये जो बढ़ते हैं, जो नेचर ने इनको जिंदगी दी, उसी कोट के अंदर का डेवलपमेंट प्रोसेस है उसका, उसी में उसको बढ़ना है। लेकिन निकल पाए उसके पहले ही उन कोकून को, उसको कोकून बोलते हैं, उसको तोड़ लिया जाता है और फिर उसको गर्म पानी में उबाला जाता है, तो ये धागे हैं वो निकलते हैं और ये सारे कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं। ठीक, तो सिल्क पैदा होता है। मैंने कहा हो सकता है पहनने का मन ना करे पहनने को। ठीक ठीक है, देखो कोकून बन गया, वो अपने चारों ओर खुद ही बनाने लगता है, बन गया। ठीक, ये लाए गए, ये बॉइल हो रहा है, इसी में डाल दिया जाएगा, फिर उसका धागा जो है, मशीनें जो है वो जोड़ जोड़ के बनाती जाएंगी। एक और तरीका है, अभी इसको जो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में बनाया गया और कुछ लोगों ने इसको खोजा, जिन्होंने खोजा उनका नाम है कुसुमा राजैया। इसको अहिंसा सिल्क बोला गया। तो अहिंसा सिल्क क्या है कि वो अगर वो ऐसा था कि अगर वो कीड़ा जो है ना, वो जो वॉर्म है वो अगर वो निकल जाता है उस कोकून से, तो क्या होता है कि कोकून से निकल जाने के बाद यूजलेस हो जाता है वो कोकून, क्योंकि फट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जब राजैया ने क्या किया कि उसको दिखाया कि उसको निकल जाने के बाद भी है ना, उसके निकल जाने के बाद भी आप उसको फाड़ने के अगर चाहो तो निकाल लो या वेट करो वो निकल जाए, उसके बाद भी उससे हम सिल्क बना सकते हैं और सिल्क अच्छी क्वालिटी का होता है। तो वो जो सिल्क बनाया उसका नाम क्या रखा, अहिंसा सिल्क। ये है अहिंसा, ये शादी वादी में पहनेंगे, जो पहना हुआ ना, साउथ इंडिया में सिल्क का बहुत कल्चर है, बड़ा पहनते हैं वो लोग, ये सिल्क की साड़ी है पहन के। ये वो शॉप है जिस पे अहिंसा सिल्क हो रही है। ये कीड़े देखो बड़े होके निकल जा रहे हैं उससे, उसके बाद उसका बनेगा, ये बने, ये कीड़े खा रहे हैं इसको, ये लगातार खाते हैं, ये लगातार पत्तियों को खाते हैं। अच्छा होता क्या है ना, जो हम सिल्क की वैरायटी पढ़ेंगे, अभी एरी पढ़ेंगे, मूगा पढ़ेंगे, तसर पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, चार हैं इंडिया में जो मुख्य रूप से हैं, दुनिया में और तरीकों के भी होते हैं, तो उसमें ये कीड़े दूसरे हैं, इनकी प्रजाति थोड़ा सा बदल जाती है, फैमिली बदल जाती है, और ये जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो बदल जाती है, पेड़ों की पत्तियां अलग हो जाती हैं, अलग अलग पेड़ हो जाते हैं, और ये खाने वाले जो कीड़े हैं वो दूसरे हो जाते हैं, तो सिल्क की वैरायटी बदल जाती है, कभी मूगा हो जाएगा, फिर एरी हो जाएगा, फिर तसर हो जाएगा, हम देखेंगे उसमें अलग अलग तरीके का, है ना, मलबरी हो जाएगा, तो अलग अलग। ये देखो वो चारों ओर उगल उगल के अपने कोकून बना लेंगे, ये कोकून बन रहा है। अब ये निकल गया है ना, निकलने के बाद इन्होंने उससे देखो ऐसे उबाला जाता है। अब ये हिंसा वाला है, अहिंसा वाला नहीं है, अहिंसा वाला बाद में दिखाएंगे जो उन्होंने बनाया है, इसके अंदर है वो, ये बॉइल्ड है। और से अब
नहीं, वो पानी के कारण वो हिल रहा है, धागा निकल रहा है, कीड़ा तो मर चुका होगा पहले, वो दिखा रहे हैं मर गया, ये निकल इस तरीके से जब मर जाते हैं तो निकल आते हैं। अब कुसुमा राजैया ने जो है इसको खोजा, उन्होंने ये देखो ये कीड़ा निकाल देते हैं पहले उस, जिसका मर निकल गया है, जिसका मर चुका है या नहीं निकला उसका निकाल देंगे वो, फिर उससे सिल्क बनाया जा रहा है। ठीक यही है कुसुमा राजैया। तो एक अहिंसा सिल्क भी हो गई, बनाया जा सकता है ना, थोड़ा सा इसलिए जानना जरूरी था, नहीं तो पता लगा नफरत हो गई। नहीं, अब जो टेक्निक्स हैं अहिंसा की और बहुत आ गई है ना, उस पर काफ़ी है, पहनना ही बंद कर दिया। अब ये एक गांव है सुआलकुची, सुआलकुची कहाँ है देखो, ये असम है, ये बनाया हमने मैप कॉपी में है ना, सब लोगों ने बना लिया है। ये मेघालय है, ये जो नदी है कौन सी है, ब्रह्मा पुत्रा, और ये सुआलकुची, ठीक। यहाँ का सिल्क बड़ा फेमस है, सुआलकुची का सिल्क जो है वो बड़ा फेमस है, समझ में आ रहा है ना आपको, क्लास में है नहीं, अभी समझ नहीं रहे, नहीं आपसे पूछा था, हाँ 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 आ रहे ना, बस वही। ये सब तो इंटरेस्टिंग होता है। अब इसके बाद ये ट्रेवल कर रही हैं, तो ये बता रही हैं, आतिफा नाम है इनको, ये 15 रुपये लगता है वहाँ से वहाँ तक, जो जहाँ जा रही है किराया उराया है, ये है 12 किलोमीटर सुआलकुची। देख एक चीज़ ध्यान से देखना, ये एंट्री है, ये जो काम यहाँ ज़्यादा करने वाली होंगी ना ये महिलाएं होंगी, और जब हम दक्षिण की ओर जाएंगे, जब हम आंध्रा वगैरह में देखेंगे या हम केरल वरल की तरफ जाएंगे और सिल्क वगैरह को देखने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ काम है कर्नाटक वगैरह में, तो वहाँ हम ये देखेंगे कि पुरुष काफ़ी काम कर रहे हैं उसमें, ये थोड़ा सा एक देखने की चीज़ है। ठीक, ये है सुआलकुची, इनके जो कपड़े हैं महिलाओं के, इनका जो ड्रेस है अभी दिखाता हूँ वो क्या है, इन्होंने नई तरीके की मशीन बनाई है जो ये मान्यवर है, नाम तो मैं भूल गया इनका, तो उसमें क्या है कि जैसे पहले जो है सिल्क बनाने में 1.5 मिनट का टाइम लगता था, वो पैर से करना बांध में, अब ये ऑटोमेटिक कर दिया इन्होंने उसको, तो वो 3 से 4 सेकंड लगता है। तो जैसे आपने कहा कि जो है ना पहले 1.5 मिनट लग रहा था, फिर 3 से 4 सेकंड लगा, तो 1.5 मिनट बराबर कितने सेकंड थे, 90 थे ना, और 3 सेकंड आ गया तो कितना हुआ, 30 गुना ना, 30 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो 30 गुना जब पैदा करेगा तो ज़्यादा इनकम होगी ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे ना, तो कम में ज़्यादा सारा फोकस कहाँ है, कम में ज़्यादा है ना, उसी पे चल रहा है ना। अब ठीक लगा कुछ, अभी रुको अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। सिल्क वॉर्म है,
ये देखो ये पांव से नहीं वो कर रही हैं, जो बांस थे उसमें दो दिखा कि नहीं। ठीक है, अब आपको सवाल पूछी नहीं भूलेगा है ना। अब आपको ये समझ में आएगा सिल्क कैसे है। अगर आपको कल ये भी अब देखो सवाल यहाँ प्री और मेंस का कैसे बनेगा, जब अगर आपको आसाम की इस एरिया की इकोनॉमी को समझना है तो क्या बिना कल्चर को समझे आप समझ सकते हो? नहीं ना। तो अगर आप समझो, अगर आप इकोनॉमी को सिर्फ जीडीपी तक कोशिश करोगे रोकने की, सिर्फ कुछ बेसिक अकाउंटिंग तक रोकने की कोशिश करोगी करोगे या आप लोग करेंगी, तो कभी भी आप जो है विषय को समझ नहीं पाओगे। तब आप कभी भी कोई नीति नहीं बना पाओगे, तब कभी भी आप जिस लेवल के अंडरस्टैंडिंग की बात यूपीएससी कर रही है वहां तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि वहां की ज्योग्राफी और वहां की संस्कृति, वहां की जो विरासत है हजारों साल से जो चल रही है, जो 4000 बीसी से शुरू हुआ, 2500 बीसी से तो यहां शुरू हो गया असम में, वहां से शुरू होता है और वो कितना फाइन हो गया धीरे धीरे है ना। आज जो हमने नई मशीनें बनाई, जिस तरह की चीजें बनाई, अब हम ऐसी टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं जहां से आदमी जो है वो मशीन से अलग होता जा रहा है। अब फुल्ली ऑटोमेशन की ओर बढ़ रहे हैं ना, ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें क्या हो कि आदमी नहीं दिखेगा, कंप्यूटर बना देगा, ऐसा होगा ना कि नहीं? ऐसा होगा। तो पहले ये आदमी यहां जो लोग जुड़े हुए हैं उससे बना रहे हैं, उससे इनकम कर रहे हैं, उससे उनकी जिंदगी अच्छी हो रही है ना, पैसा आया तो और चाहिए वो उसके बदले में। और अगर तो इन्होंने मशीन क्यों बनाई, क्योंकि इंसान की प्रोडक्टिविटी हो सके ज्यादा हो सके ना। फिर अगर ये इन्हीं मशीन को और बेहतर करते जाएंगे और बेहतर, तो इंसान काम से खुद ही दूर हो जाएगा ना, सब काम मशीन करने लगेगी। अब जब मशीन सब कुछ करेगी तो इंसान के करने के लिए तो फील्ड कम होती जाएंगी ना समय के साथ कि नहीं? तो पहले का जो दर्शन था इकोनॉमिक्स का वो ये था कि व्यक्ति कर्मशील होना चाहिए है ना, याद आया पढ़ाया ना, और यहां पे दिख रहा है। लेकिन अब इंसान अलग हो रहा है, कर्म से अलग हो रहा है, नई इकोनॉमिक्स पैदा हो रही है, नई चीजें पैदा हो रही है, नया दर्शन जन्म दे रहा है कि कैसे व्यवस्था को चलाएंगे। तो वही हम लोगों ने शुरू में नाम लिया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब याद आया कि जब सब कुछ मशीनीकरण हो जाएगा, मैकेनाइजेशन हो जाएगा, तो वो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कोई इकट्ठा करे पूरे पैसे को इकट्ठा करे तो फिर क्या होगा, उसको बांटा जाए, एक मिनिमम की व्यवस्था लोगों के साथ की जाए। याद आ रहा है ना, जुड़ रहा है ना अब ठीक। उसका नाम क्या है, यूबीआई। यूरोप वहां पहुंच गया, हम भी उधर की ओर जा रहे हैं। तो व्यवस्था बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, इंसान श्रम से अलग हो रहा है, श्रम की परिभाषा बदल रही है, रोजगार की परिभाषा बदल रही है, द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी चेंज्ड। अब जो रोजगार की परिभाषा में आने वाली है वो सिर्फ R&D से संबंधित होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। अब उस तरह के श्रम की जरूरत ही खत्म होती जा रही है, रोबोटिक्स वगैरह और डेवलपमेंट मतलब और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना। ऐसी ऐसी दुकानें हैं, आप चले सामान लेके आओ, आदमी नहीं होता वहां। अरे यहां पे भी आ गया है, अब एक ही आदमी बैठा रहेगा कि नहीं, देखा है कि नहीं देखा आपने? हाँ, ये तो स्टोर आ गए हैं बहुत सारे। तो चीजें बदल रही हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है, ये जो थॉट प्रोसेस से पूछा जाएगा, जो सवाल कुची में हो रहा है
जो हर जगह हो रहा है ना, जो मशीन आने के बाद जो बेरोजगारी पैदा हो रही है, उस बेरोजगारी का हल कहाँ है? हाँ, आने वाली बड़ी दुनिया में शायद वो टेक्नोलॉजी वहां लेके चली जाए कि जहां इंसान जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ उसके लिए एक फिक्स पीरियड होगा कि साल में 5 साल उसको R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है लास्ट के फेज में, और उसके पहले उसको घूमना है, तो जिंदगी और अच्छी होती चली जाएगी सबकी। लेकिन वो स्थिति आने के पहले अभी एक दुनिया ऐसी होगी जैसे जो हमने सुआलकुची में देखा, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, लेकिन इंसान को काम से बाहर भी कर रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से मशीनी भी नहीं हुआ है। ऐसी व्यवस्था में वो इंसान जिसके हाथ से छूटा वो कैसे सरवाइव करेगा, वो कैसे सरवाइव करेगा? और हर आदमी को अगर आप मनरेगा में लेकर के जाओगे, सब कुछ पहले ये व्यवस्था जो कहलाई वो मनरेगा कहलाई कि काम श्रम और पैसे को जोड़ो, लेकिन श्रम और पैसे को जब आप जोड़ते हो इस तरह के कामों के साथ, तो वो कैसा श्रम हो ये सवाल भी बड़ा रहेगा हमेशा आपके पास, कि ऐसा ना हो कहीं कि मनरेगा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, जब आप 15 बरस तक किसी आदमी को फावड़ा पकड़ा देते हो और फिर आप उससे अचानक बोलोगे कि चलो समय आ गया है अब तुम स्किल्ड बन जाओ, अब तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता? आप 50 साल की महिला के पास गांव में चले जाएं और आप उससे कहें कि समय आ गया है अब 1 साल की तुम ट्रेनिंग लो और अपनी जिंदगी को आजाद करो, तो यहां बैठ के तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब हकीकत में आप आएंगे तो वो तैयार नहीं होगी, इतनी ज्यादा उसकी कंडीशनिंग हो गई होती है। वहां काम करने वाले मजदूरों को आप लाख कोशिश करो, आपने बार बार ये अनुभव किया होगा कि आप समझाने की कोशिश करोगे लोग समझेंगे नहीं, ऐसा आप देखोगे। वो जो इधर वाली बात कर रहे हैं वो सब यहां से जुड़ी हुई हैं। तो जब सुआलकुची को देखो तो सिल्क देखो, जब सुआलकुची का ऑटोमेशन देखो तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम सोचो, जब सुआलकुची को देखो तो आने वाली दुनिया के बारे में भी समझो, जब सुआलकुची को समझो तो ये समझो कि ये जो लोग अलग हो रहे हैं हाथ से काम छूट रहा है वो लोग कहां जाएंगे, उनके लिए नए कामों की क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप 100 साल नहीं जीने वाले। अगर हमसे ये कहा जाएगा या कोई नीति इस तरीके की है, हमसे ये कहा जाता है कि दुनिया भारत एक विकसित देश बनेगा इसलिए त्याग करने की आपको जरूरत है, तो त्याग अगर 2-3% का हो तो हम कर लेंगे है ना, बाकी हमारा हम अगर जिंदा हैं तो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए ना, हमें अपनी जिंदगी अच्छी चाहिए ना, कि इसलिए कि 200 साल बाद आने वाला भारत बहुत खूबसूरत होगा इसलिए तू आधी रोटी खा लो तो ये अनावश्यक है, ऐसा राष्ट्रवाद चलता वलता नहीं है। तो अभी बड़ी समस्याएं हैं, चीजें विकराल होती जा रही हैं, और जो भूखा आदमी होता है जब उसको बताया जाता है कि तुम तो काम कर रहे थे अभी तक तो सब सही था, मशीन आने के बाद तुम सड़क पे आ गए हो, और वो मशीन के हिसाब से खुद को ट्रेन तो कर नहीं पाएगा कि कर लेगा तुरंत तुरंत तो नहीं कर पाएगा ना, समय लगेगा। तो उस बीच में कोई उसको ये समझा कि ये रही बंदूक और वो है तुम्हारा दुश्मन तो ये जो अतिवाद है, विकास और अतिवाद एक्सट्रीमिज्म का जो रिलेशनशिप है वो यहां दिखेगा। आपको आगे पढ़ना है, ये जो नक्सल वगैरह हम लोग देख रहे थे, इस तरह की समस्याओं को देख रहे थे, ये मशीनीकरण कैसे उसको प्रमोट कर सकता है, कैसी उसकी संभावनाएं हैं, वो हमको यहाँ सुआलकुची या जो हमने दार्जिलिंग में देखा था वहां से हमें वो चीजों को निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक इंसाइट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो डेवलप कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। ये जो आदमी सुआलकुची से महिला जो निकाली गई जिसका काम गया है,
ऑटोमेशन आने से जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी लेकिन कुछ लोगों की बढ़ी और कुछ बाहर हो गए क्योंकि वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये पूरे भारत में हो रहा है हर जगह पे। तो ये जब तक उस मशीन के हिसाब से काम करने के लिए अपने को तैयार करेगा तब तक ये बेरोजगार रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। जब हम बढ़ेंगे बेरोजगारी तो इसको हम फ्रिक्शनल बेरोजगारी बोलते हैं, घर्षणात्मक एक प्रकार है। और नई नए भारत की सबसे बड़ी समस्या फ्रिक्शनल है, एक जगह से दूसरे जगह स्विच करने में जो समय लग रहा है बीच का ना, दो अलग अलग सतहें जब अलग अलग नेचर की टच करती हैं तो एक चीज पैदा होती है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, बोलते हैं ना, पढ़ेंगे, वो एक बेरोजगारी का प्रकार होगा। तो ये मुख्य परीक्षा का आपका सवाल होगा कि वर्तमान भारत में आप किस बेरोजगारी को सर्वप्रमुख मानते हो, उसके कौन से कारक हैं, फैक्टर क्या हैं और उसका सलूशन कहाँ है। समझ में आ रहा है ना जो मैं जहां मैं पूछ रहा हूं? तो यहां जहां आपने पढ़ा वहां से आपको जोड़ लेना चाहिए, वो चीज दिखनी चाहिए, वो हमारे घरों में है, हमारे गांवों में है और जहां जहां हम समझेंगे वहां वहां है। और पूरे भारत के लिए अलग अलग नीतियां बनने वाली हैं। जब तक आप भारत को बहुत अच्छे से महसूस नहीं करोगे तब तक आप कुछ बता नहीं पाओगे, क्योंकि असम में सिर्फ अभी सिल्क नहीं है, अभी चाय भी है, अभी वहां बहुत कुछ है। ठीक, अभी हम सिल्क पे रुके हुए हैं, थोड़ा सा लिंकअप सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा थॉट प्रोसेस, और परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा कभी कभी होगा जैसे पीछे का छूटा होगा, इधर पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे, लेकिन जैसे दो तीन दिन पहले जो चीजें थी ऐसा लगेगा बार बार कि जो चीज हम बात कर रहे हैं उसको क्यों जोड़ रहे हैं इतना। कभी कभी कष्ट होगा, वो होने दो। अगर ये नहीं जोड़ पाओगे तो आईएएस कभी नहीं बनोगे। जो बातें हम कर रहे हैं उनका संबंध है उस जगह से, और यही शिक्षा है। एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, याद रख लेना, शिक्षा मस्तिष्क का प्रशिक्षण है सोचने के लिए। और वही सोचते कैसे हैं हम, जितना है ना इनसाइट बड़ा करेंगे, इसलिए थोड़ा हिम्मत बनाए रखनी है और कोशिश करते रहना है। करेंगे ना, और बनेंगे यार, कोई टेंशन मत लो, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, सवाल कुछ ही तक देख लिया था। ये जो है यहाँ वाला दिखा देता हूँ, उपदासारी काकीनाडा ईस्ट, ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे जब ये मैं दिखा दूंगा इसको, ये आंध्र प्रदेश का है आपका, वहां पे भी सिल्क बन रही है। लेकिन वहां जो महिला बना रही थी उसका जो जीवन स्तर, उसका जो रहने का तरीका, जहां पर सिल्क की मशीन थी, वो सब कुछ, और ये दोनों में आपको अंतर दिखेगा, दोनों वीडियो में ही साफ दिख जाएगा। यहां देखो मेल है, वहां फीमेल थी, याद है ना, दिख रहा है ना, ये अंतर है। ठीक है, बस इससे नहीं देखना। अब यहां सवाल, अभी हम और चीजों को समझेंगे लेकिन थोड़ा सा उसको बाद में समझेंगे, है ना, जब कल्चर वाला जोन होगा या मुद्दे जब हम नंबर ऑफ इश्यूज खूब सारे करना शुरू करेंगे तब हम चीजों को और समझेंगे। जैसे सिल्क वगैरह है तो मार्केट में क्या रेट है, कल अब अखबार में न्यूज आएगी कि सिल्क का दाम इधर गिर गए हैं, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे होंगे। तो जब आपने उस महिला का जीवन स्तर देखा हुआ है, उसकी जिंदगी आपने देखी हुई है, तो आपको समझ में आएगा ना कि दाम गिरने से क्या दिक्कत आने वाली है, है ना, और उसका सलूशन कहाँ है। इस तरह की कोई भी समस्याएं जो होंगी, जैसे नंबर ऑफ बहुत सारे हैं भारत में, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में बहुत तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जो भारत, पूरा भारत इसी से जुड़ा हुआ है, विविधता भारत की इस कल्चर से है। और चूंकि कल्चर को पैदा करने में भूगोल का ही बड़ा हाथ होता है ना, देखा है कि नहीं, समझा है ना, भूगोल कल्चर को कैसे पैदा करता है। रेगिस्तान में, रेगिस्तान समझ रहे हो भारत में कहाँ है, राजस्थान तरफ,
तो उसके जो आप संगीत सुनोगे, जब उसके गानों को सुनोगे तो आप उस चीज को पाओगे, पधारो मारे देश, है ना। आप वो पेशेंस देखोगे, है ना, जबकि वो चलो जान, तो मतलब वो जो चले गए हैं वो आएंगे, पता नहीं कब लौटेंगे, है ना। तो जब ये इस गानों को आप एक्सटेंड करके सुनोगे, मांड मांड शैली है जो ना क्लासिकल भी नहीं है और फोक भी नहीं है, मतलब दोनों के बीच में है मांड कहीं पे, जिस पे गाते हैं पधारो हमारे देश, सुना है ना, ये तो सुना होगा सब लोगों ने। वो हम राजस्थान वाला करेंगे तो चीजों को और अच्छे से समझेंगे, ठीक। अब जब हम सिल्क को, जो हम चूंकि इस कल्चर को भूगोल भी प्रभावित कर रहा है, तो वो जो चीज वहां पैदा हो रही है, वहां के लोगों ने उसमें विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन कैसे पाया, हजारों सालों में पाया, तो उस जगह की अपनी एक पहचान है, वहां से वो जुड़ जाती है ना, वो चीज जुड़ती है ना। और इसीलिए हम एक टर्म यूज करते हैं, भौगोलिक संकेतक, GI टैग होता है, पढ़ेंगे अखबारों में, है ना, तो पता लगेगा कि जो बनारस की साड़ी है वो, है ना, फलानी जगह का आम, कहीं का ये, कहीं का वो बहुत सारी चीज, है ना, वो चीजों से जुड़ा हुआ है, एक उसकी वैरायटी देने के लिए, क्योंकि हमें वो बचा के रखना है कि वो कला बची रहे। और ये क्यों दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि जब उस नाम का उपयोग वही करेगा तो वो चीज ना एक ब्रांड हो जाती है, चीज जो है एक ब्रांड हो जाती है। तो हाँ, आप कहते हो अरे ये सिल्क सुवाल कुछ का है, जब आपने बोला ना साइड, तो आदमी जिसको अब वहां पे अगर है GI है तो जैसे वो देखा तो पता लगा अच्छा सुवाल कुछी का है, ये बनारसी साड़ी है, होता है ना ऐसा, बोलने पे थोड़ा उससे उसकी डिमांड बढ़ती है। तो जब उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसकी एक पहचान होती है, तो उस चीज की कीमत थोड़ा सा बेहतर होती है। तो जब उसको वो कीमत मिलती है तो वहां उस काम को करने वाले लोग बढ़िया हो जाते हैं, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। अगर उनकी जिंदगी अच्छी रहेगी तो वो उस काम को करते रहेंगे और वो काम जिंदा रहेगा। तो कल आपसे ये भी सवाल आएगा कि इस जो लोकल चीजें हैं जो जहां पैदा हो रही हैं, उनके ब्रांड नेम को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है। तो ये समझ में आ रहा है ना, है ना, कि वहां के लोग अगर सुवालकुची का ब्रांड नेम बना रहेगा, लोग जानते रहेंगे उसके, यहां रहने वालों को जो ये बना रहे हैं उसको अलग से दी रहेगी। भाई बात लेने जाओगे वो बताएगा कि ये इतने का है 600, ये 1200, पूछो कि 1200 में क्यों है, अरे ये सुवालकुची का है मैडम, दुकानदार तो आदमी उसके लिए 1100 दे देता है। तो यहां वालों को वो बेहतर हो गया, नहीं तो इस चीज को चुरा के कोई और, ठीक। तो उन समस्याओं को समझेंगे, उसके सलूशन को समझेंगे। सलूशन सिर्फ एक है कि इसकी बिक्री बनी रहे, लोगों का रुझान, लोगों की रुचि इस ओर बनी रहे, इस सिल्क लोग पहने। अगर सिल्क को लोग पहनते रहेंगे तो वहां के लोगों की जिंदगी अच्छी रहेगी, है ना। तो लोग अच्छा, भारत में सबसे खूबसूरती क्या है भारत की, वही 130 करोड़ लोगों की अंतर्निर्भरता है ना, बताया था ना इकोनॉमिक्स डिफाइन कर। तो इतनी बड़ी अंतर्निर्भरता में अगर वो अंतर, बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे पे निर्भर हैं, और इसलिए अब सवाल नेम है पूरे भारत में बिकने की संभावना तो बहुत ज्यादा है ना कि नहीं। तो इकोनॉमी कैसे रन करती है, कैसे एक दूसरे को चीजें चल रही हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक समस्या आती है कभी कभी, चलो अब उस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो इकोनॉमी में ज्यादा चले जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, GST वगैरह क्यों आया कैसे। अब थोड़ा सिल्क पे ही रुकते हैं, थोड़ा सा और पीछे लेके चलते हैं। एक मूवी बनी, एक पिक्चर है, उसका नाम है कांचीवरम, कांचीवरम है ना, और प्रकाश राज को इसके लिए बेस्ट नेशनल अवार्ड भी मिला। और ये जो मूवी है ये वही सिल्क पे ही आधारित है, है ना। दक्षिण भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन पहुंचा, कैसे वहां के लोग उस प्रभावित हुआ, क्या हुआ, वो कम्युनिस्ट वहां पैदा कैसे हुए, उनके पीछे कौन से कारण थे,
वो सब इस मूवी में है। और उस वीवर का जो उसको बुनता है उसका दर्द भी है, उसका पेन भी है। अगर इस मूवी को आप समझेंगे तो ये हो ही नहीं सकता। जब इस पिक्चर को देख करके उठें तो आप सामान्य रह पाए, मतलब आप नॉर्मल नहीं रह सकते हैं। और ये मूवी ऐसी है, अगर आप इसको समझेंगे तो ये लंबे समय तक आपको भूलेगी नहीं, है ना। थोड़ा सा मैं एक बार हल्का सा दिखा देता हूं। ये एक देखो, ये इसमें एक, ये जो आ रही है गाड़ी, इसमें एक कैदी बैठा हुआ है। वो जो कैदी है वो प्रकाश राज, जो कैदी है वो प्रकाश राज है। देख लोगे? चलो ठीक है, सब टाइटल के साथ देख लेना, ठीक है ना। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो भारत में सिल्क को के संबंधी कामों को गवर्न करता है वो क्या है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये भी ध्यान में रहेगा। अब ये जब आएगा ना तो वहां मेंस में लिखने में भी काम आता है, और प्री का जो सवाल आता है वहां भी ये पूछा जाएगा आपसे, वो सवाल बनाने का तरीका बता दूंगा मैं भी। ठीक, एक भारत में है ना वन्य सिल्क है, रुको और दिखाता हूँ। ये है तसर सिल्क, दिख रहा है ना। सिल्क है ना ये इसका, और ये जो होता है ये तसर के पेड़ से होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इसमें असम नहीं है। ध्यान से देखो, है मन लग रहा है कि नहीं क्लास में? आ जाओ ना, फिर से आ जाओ क्लास में, इन स्टेट्स को देख लो, इसमें असम का नाम नहीं है। ठीक, ये इसका कीड़ा अलग है, पेड़ अलग है। ठीक, ओक तसर है, इसका जो कीड़ा है वो अलग है ना, एंथेरिया प्रोयली जे, ये, और ये पेड़ अलग, कीड़ा अलग। ठीक, मलबरी, ठीक, देखो मलबरी ये होता है। ठीक, मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, 92% लगभग ये मिल करके, इसमें भी असम नहीं है, मतलब मेजर प्रोडक्शन इसका भी नहीं है। ठीक, कीड़ा अलग और वो अलग। ये हमको जाके उस पे ना, इस वाली वेबसाइट से वहां जाके हम देखेंगे कौन किसका होमवर्क होगा, उनका नाम जरूर लिख लेना, क्योंकि ये मैच करने को पूछ लेगा, वरी सिल्क पूछ लेगा, समझ लेना है ना, या मलबरी सिल्क पूछेगा और मैच करा लेगा इससे, बॉम्बिक्स मोरियल से, ये जो सिल्क वॉर्म का नाम है ना। ठीक ना, ये आपका होमवर्क होगा, इसको आप करके आएंगे। देखो अगला सिल्क एरी, ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड आसाम, इट इज ऑल्सो फाउंड इन बिहार, वेस्ट बंगाल एरिए। तो जो एरी सिल्क है ना, ये आसाम में है, उत्तर पूर्वी भारत में है। सिल्क वॉर्म है इसका कौन सा है, फिलोसेमिया रिचिनी, ये अलग है। ठीक, एक बार यहां से जाके पढ़ेंगे अब इसको, मूगा। ठीक,
ये देखो मुगा कल्चर इज स्पेसिफिक टू द स्टेट ऑफ असम एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द स्टेट। ठीक, ये सिल्क का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है जो वो वहां पे कौन सा हम देख रहे थे, सुवाल कूची। सुवाल कूची जो है ये इसी पे है, मुगा सिल्क टिका हुआ। ठीक, और उसी के वो जो इंटरव्यू आ रहा था ना उसका, उसमें वो बता रहा था कि एरी सिल्क जो है यहाँ पे नहीं करते हैं हम सुवालकुची वाले, इसमें आप उसी के बगल में दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक गांव है, कुछ एरिया है जहाँ पे एरी सिल्क का काफी काम होता है, तो वो उसमें बताएगा आपको। तो हमें कुछ नाम पता लग गए सिल्क के, सिल्क के बारे में काम भर को हम जान गए, है ना। वो मूवी एक हो गया, पहले देखना है सबको, ये होमवर्क आपका है। ठीक, उसको जरा अच्छा, वो हिंदी में है नहीं तो नीचे सब टाइटल लिख के आएगा तो आप पढ़ पढ़ के समझेंगे उसको। हाँ हाँ, हिंदी में है नहीं मूवी हाँ है ना, व्हाट्सएप कर देता हूँ आप सबको। चलो ठीक है, रुक जाओ मैं बता दूंगा, स्टोरी बता दूंगा। जिनको वैसे देखना होगा मैं अलग से दिखा दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों की भावनाएं आहत होंगी जो अकेले देखना चाहते हैं तो इसलिए है ना, तो कुछ लोग देखेंगे और जिनको वैसे समझना होगा मैं अलग से बता दूंगा नीचे, है ना, अलग से बता देता हूँ। अब इसको रोकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, एक एक चीज लेके चलेंगे। सिल्क क्लियर हुआ है, है ना, एक एक एरिया। असम में बाढ़ भी आई हुई है अभी पूरा, है ना, तो वो कौन कौन सा रिवर सिस्टम है, वो कैसा है सब कुछ, वो भी समझेंगे चीजों को। ठीक, अब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, जहां तक हमने देखा था हम उसके आगे करते हैं। एक देखो, ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है आप उसको जानते नहीं थे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे, है ना, रीकैप जिसको कहते हैं थोड़ा सा, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर कहीं पे, ठीक है, जैसे एक शहर लेते हैं हम, है ना, दिल्ली को ले लें, दिल्ली को ले लें, ठीक। अब पहला, दिल्ली में सब कुछ, बिजली पानी जो ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ अच्छा है ना कि नहीं है, अरे है ना, तो आप तुलना देखा जाता मतलब एब्सोल्यूट नहीं, जहां से हम सामान्य रूप से देश के अन्य भागों से तो बढ़िया है ना इसका कि नहीं है, है ना। तो जब हमने सड़क बिजली पानी कहा, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी उनका जो जीवन स्तर है ज्यादातर लोगों का, वो देश के अन्य हिस्सों से बढ़िया है कि नहीं है, खाने पीने रहने का तरीका, घूमने का, जिंदगी जीने का, जो सब कुछ है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, हम देखो तो दिल्ली जो है वो ठीक है। जब हमने सिर्फ इस पे देखा, इस पे देखा एक दूसरा, तो जब इस नजरिए से देखा दिल्ली को, तो हमने बोला कि दिल्ली यार विकसित है, बोला ना ऐसा कि दिल्ली विकसित है। अब दूसरा सवाल उठा, दूसरा सवाल उठा कि भाई दिल्ली में स्लम बहुत हैं, स्लम्स झुग्गियां बहुत ज्यादा हैं, काफी हैं, वहां पे जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है, गरीबी भी बहुत है, ये रिक्शे वाले भी हैं, एक तरफ तो आपका लुटियंस वाला जोन है, साउथ दिल्ली का जोन है, बड़े बड़े कॉलोनी है, अगर यहाँ मुखर्जी नगर है तो यहाँ गोपालपुर भी तो है बगल में ही, आप ही क्या है ना कि नहीं है, वजीराबाद नेहरू बिहार का है ना। तो जब हम उधर की ओर बढ़ते हैं तब आपसे कहें यार ये वाला है, क्या दिल्ली विकसित है, आपसे आए कि नहीं यार विकसित नहीं है। ठीक, फिर अब देखो ये वाली जो आपने बात बात की ना, ये जो पहला एस्पेक्ट था वो आधा आधा सा था, यही वाला था ग्रोथ,
जब हम इसको देख रहे थे, है ना। और जब ये वाली बात आई ना कि सबके हिस्से में आए, तो ग्रोथ विथ जस्टिस, आप नहीं जानते थे इसको असल में। हाँ, जो नॉलेज है वो किताबों से, अखबारों से, टीवी मीडिया से, लोगों की आपस में वार्तालाप, बातचीत से, वो हमारे अंदर पैदा होता रहता है। हमारे इनसाइट का, हमारे देखने का नजरिए का हिस्सा कब बन जाता है हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए वो पहचानना पड़ेगा। हम पहले क्या कर रहे हैं, थोड़ा बाइफरगेट कर रहे हैं, चीजों को लिंक कर रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं। ये जानते हैं ना ये दोनों, ठीक। फिर तीसरा वाला सवाल था, यार दिल्ली में हर आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं, एजुकेशन का लेवल भी है, स्किल्ड नहीं है सारे लोग, है ना। ऐसा जब तक हर आदमी को आप स्किल नहीं हो जाएगा, उस लेवल की एजुकेशन नहीं हो जाएगी, जब तक झुग्गियों में रहने वाला बच्चा भी उस लेवल की एजुकेशन नहीं पा जाएगा, तब तक तो चीजें ठीक नहीं होंगी ना, कि नहीं। वो इंसान कैपेबल होना चाहिए, उसको काम करने की आजादी होनी चाहिए। काम करने की आजादी क्या होती है, विकल्पों का विस्तार करती है, चॉइसेस बोलते हैं। चॉइस तो तब होगी ना जब पहले कैपेबल हो, सक्षम हो और अल्टरनेटिव्स हो, विकल्प बहुत सारे होंगे और हम सक्षम होंगे, तब तो हम उन विकल्पों में से किसी चीज का चयन करेंगे, है ना। तो जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट बात करते हैं उसको हम ये भी बोलते हैं, विकल्पों के चयन की आजादी, है ना, चॉइसेस ऐसे भी डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा और अंदर आते हैं तो ये हम समझ रहे हैं ना कि दिल्ली में हर आदमी स्किल्ड है, नहीं है ना। कामभर को थोड़ा बहुत होगा, बहुत अच्छे नहीं है, उसमें अलग अलग लेवल है। हर आदमी की एक्सेस है, पहुंच है हर जगह तक, नहीं है। जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, क्या उनको लोन वगैरह मिल जाता है, क्या नहीं मिलता है। ब्याज का पैसा चलता है, 3-3% चलता है सैकड़ा हर महीने का। 1,00,000 ले लो, 3,000 रुपया महीना ब्याज भरो, रेट है ये, सही में है। 10-10% तक है, 10-15% पे ले लो तो 1,00,000 लेकर के सारी उम्र ब्याज भरते हुए मर जाता है वो आदमी, और लास्ट में उसकी जो झुग्गी है ना एक कमरे की, वो भी चली जाती है। तो कहाँ है, जब हम इकोनॉमिक फ्रीडम कर रहे थे तब हमने कहा कि बैंकों तक पहुंच होनी चाहिए, लोन मिल सके, उस आदमी के नजरिए से देख रहे थे, साथ उसे काम करने की आजादी हो, कानून। और यहाँ क्या है, एक तो लोन नहीं मिला, कुछ काम करने वाले आए तो पुलिस वाले आ गए, एमसीडी वाले आ गए, फलाने आ गए, इतने नियम कानून बताए, यहां ना करो, वहां ना करो, ये ना करो, वो क्या करे, वो क्या करे। आपके इन सारे कानूनों ने, इस पूरी व्यवस्था ने उसको मजबूर कर रखा है कि वो मजदूर ही बने, ये है ना, है ऐसा, रिक्शा चलाए वो। जैसे ये बाधाएं हैं, जैसे कानून की बाधाएं हैं, व्यवस्था की बाधाएं हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आदमी को आजादी होनी चाहिए काम करने की, उसकी बैंकों तक पहुंच होनी चाहिए, तो हम बात कर रहे थे शुरू में कि नहीं। तीसरा आयाम था मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी तो हम समझ गए। अगर ये नहीं है तो हम बोलेंगे क्या कि विकास है, अगर ये चीज नहीं है अब नहीं बोलोगे ना। तो जब पहला वाला देखा तो बोला हाँ है, फिर जैसे दूसरा वाला समझा तो कहे नहीं है, तीसरा वाला देखे तो कहे यार नहीं है, अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन दिल्ली में संभावनाएं बहुत हैं, हो सकती हैं कि नहीं, है ना ऐसा। फिर चौथा वाला, महिलाओं की स्थितियां जो यहाँ पे हैं, महिलाओं के हिस्से में क्या आ रहा है, पता लगा कि घरों में जो पुरुष हैं उनका जीवन ठीक है, महिलाओं की स्थिति और बदतर होती चली जा रही है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसको हम दिल्ली में विकास बोल देंगे क्या कि दिल्ली विकसित है, नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। फेमिनिज्म महिलावाद बोला था जिसको, महिला लैंगिक जेंडर ये वाला बोल दिया था, ठीक। पांचवा पार्ट, अब दिल्ली में पोल्यूशन इतना है, धुआं ही हो जाए, जब वो जलता है हरियाणा में खेतों में कुछ, जब दम घुटता है यहाँ पे, तो आप अगर दम घुट रहा है आपका, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप बोल दोगे दिल्ली विकसित है, नहीं बोलोगे ना भाई,
तो एनवायरमेंट वाला था। अब जब आप पर्यावरण की, जैसे किसी ने पूछा कि क्या दिल्ली विकसित है, तो ये सारे आयाम आप सोचो, अगर और अगर हम इन सभी आयामों को देख करके बोलते हैं, तब हम ये इसका मतलब बता पा रहे हैं कि वास्तव में दिल्ली विकास की किस स्थिति में है। कम से कम ये पांच आयाम, आयाम तो बड़े हो सकते हैं अभी कि नहीं, ये नहीं जानते थे। असल में ये जो नॉलेज है वो आप तक आ चुका है, आप परेशान मत हो, आप बस जो आप जान रहे हो उसको समझने की कोशिश करो, और पीछे से जो मैं जोड़ रहा हूं उन चीजों को यहां जोड़ दो। हमने सिर्फ ये जाना है कि ये सारी चीजें आई कैसे, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे था, आज जो हमारे ज्ञान का स्तर है वो कैसे यहां तक पहुंचा, तो उसका एक इतिहास है। ये समझ में आया ना, अब यही तो पढ़ा था और तो कुछ नहीं है ना, जितना पढ़ा इसमें सिमट गया। लेकिन बात यह है, यहां सिमटने के पहले ये थीम अधूरी सी है अगर आप उन पीछे की चीजों को लिंकअप नहीं सीखोगे तो। ठीक, अब इन सभी चीजों को मापना है हमको। ठीक, जब हमने कहा इधर ग्रोथ समृद्धि वाला एरिया था, भाई आप ऐसे अंधे की तरह कब तक बोलोगे कि मैं सोचता हूं ये, तो कहें क्यों सोचते हो भाई। अगर मैं बोला कि मैं सोचता हूं ऐसे, तो है ना दिक्कत है उसमें। अब हमें यह समझना है कि जब हमने ग्रोथ की बात की तो इसको मापने के कोई तरीके हैं कि हम आंकड़े देखें बोले भाई इतना इतना ये है इसलिए ये वाला ठीक है। तो इसको मापने के लिए जो चीजें बनी वो नेशनल इनकम से ये राष्ट्रीय आय से संबंधित जो है वो मापक थे, मेजरमेंट्स। इसमें जो हमें पढ़ना है वो क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, है ना, अलग अलग कॉस्ट पे होते हैं, नए नए तरीके आते हैं, कभी कुछ जोड़ कुछ घटाया जाता है, ये वाला एक पैटर्न। ठीक कि नहीं, तब हम असमानता से संबंधित मापक की बात करते हैं, इनइक्वालिटी। अगर समाज में कोई भी ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि असमानता पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई है, जो शुरू के 10% लोग हैं उनके पास कितनी इनकम है और नीचे के जो क्वांटाइल के 10% है इनके पास कितना है, कुल आय का जो कुल पैदा हो रहा है उसका वितरण कैसा है, ये हमेशा वितरण पे ध्यान देगा, डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का। ठीक, और चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ता कैसे का किसके कितने हिस्से में, उसके रोजगार का स्तर क्या है, है ना, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना उसके पास स्वामित्व है, पोजीशन कितना है उसके पास, सब चीजें होंगी। अब बाग बड़े बड़े हैं आपके पास तो ज्यादा आएगा ना, और छोटा सा जमीन का टुकड़ा है तो कम आएगा, एक कमरे का घर है तो कम आएगा, और 10 कमरे हैं तो ज्यादा इनकम की संभावना होगी कि नहीं। नौकरी में 1 लाख वाली तनख्वाह वाली है तो ज्यादा, नौकरी में 10,000 तनख्वाह वाली है तो कम। तो ये हम देख करके हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे ये चीजें हैं, ये इससे संबंधित जो भी आता जाएगा, आंकड़े आते रहेंगे, इसके तरीके आते रहेंगे, रिपोर्ट्स आती रहती हैं असमानता कितनी। ठीक, तीसरा जो चीज है जो आगे डेवलप हुआ उसको हमने क्या बोला, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, तो मानविक, अच्छा इस चीज को इसके साथ देखने का एक तरीका है, कुछ कुछ इसमें इंडिकेटर ऐसे हैं जो इसको भी दिखाएंगे, इस वाले हिस्से को, क्योंकि वो अलग अलग ऐसा कुछ है नहीं, सारा हमें देखना ही है, तो अगर एक से दो चीजें पता लग रही हो तो और अच्छा है। तो इसमें जो हम देखते हैं वो हमने बोला HDI, फिर इनइक्वालिटी एडजस्टेड, IHDI होता है। तो जब इनइक्वालिटी एडजस्टेड की बात करते हैं तो ये इसको दिखाने लगता है, फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स
की बात आती है तो ये इसको दिखाने लगता है, इसको भी दिखाता है, इस वाले हिस्से को भी दिखा देता है। ठीक, इसी के अंतर्गत हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की बात भी करते हैं। और ये जो चार हैं, इसको जो जारी करता है उसका नाम है यूएनडीपी। 1990 से ये शुरू हुआ ये प्रोग्राम, ये 2010 में आया। एमपीआई कैसे हुआ वो हम अभी समझेंगे चीजों को। ठीक, ये इसके मेजरमेंट का है। हाँ, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स अभी डिटेल्ड कर रहा हूँ, अभी तो खाली नाम ऐसे मोटा मोटा समझ, मतलब ये समझ में आएगा ना कि ये जैसे सिर्फ अगर जीडीपी की बात करेंगे तो सिर्फ जीडीपी से आपको कुछ नहीं पता लगने वाला, बल्कि और एस्पेक्ट्स पते होने। जब आप इतने सारे इंडिकेटर्स को करोगे तब आप बता पाओगे कि वास्तव में स्थितियां कैसी हैं। ठीक, इसके बाद क्या था, महिला बात था, जेंडर एस्पेक्ट। अब ये जो जेंडर एस्पेक्ट है वो जीआईआई भी बताएगा, और इससे संबंधित लैंगिक सूचकांक में कई सारे आते हैं जो आएंगे तो नहीं, इसके संदर्भ में 20-25 होते हैं। क्योंकि इसलिए इस रिपोर्ट, ये सारा जिस रिपोर्ट में आते हैं ना ये सारे, उस रिपोर्ट का नाम होता है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसलिए HDR की कीमत बहुत हो जाती है, क्योंकि HDR जो होता है वो इस हिस्से को भी शामिल कर लेता है अपने, इसको भी कर लेता है, इसको भी कर लेता है। एक ऐसा इंडिकेटर बनाने की हमने कोशिश की जिसको जानने के बाद हमको आजा लगे। ठीक, इसके बाद एनवायरमेंट वाला है ना, पर्यावरण। इसमें जितना भी ग्रीन, जहां जहां ग्रीन वर्ड लगता जाएगा, जैसे जीडीपी है तो ग्रीन जीडीपी, जीएनपी है तो ग्रीन जीएनपी, फलाना है, जहां जहां है हर जगह ग्रीन वर्ड लग जाएगा, तो वो ये बताता रहेगा कि कुल पैदा करने में एनवायरनमेंट का कितना नुकसान हुआ टोटल, तो वो माइनस कर दो तो ग्रीन, सब में ग्रीन 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 लगेगा खूब सारा। तो एक अब मुद्दा ये है कि कोई इसमें 2-3-4 इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, ये तो चूंकि हम, ये सवाल आ रहा है इसलिए हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे इन चीजों पे फोकस होंगे। चूंकि ये वाली जो रिपोर्ट होती है ये बहुत सारी चीजों को शामिल कर लेती है, बस इसको नहीं करती है, इसको छोड़ के पीछे की सारी चीजों को ये शामिल कर लेती है। ठीक, मानव विकास रिपोर्ट बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट UNDP जारी करता है। ठीक, तो इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप समझ में आ, तो यहां से शुरू करें, इससे शुरू करते हैं। तो तरह तरह के जो सूचकांक मिलते जाएंगे ना उसको लेके परेशान नहीं होंगे, उसको लेकर के परेशान नहीं होंगे, क्योंकि गतिविधियां बहुत तरीके की होंगी, है ना। और फिर क्या होता है, आजकल जो हुआ, जब हमने ये बताया कि कैपिटलिज्म ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि बिना प्रतियोगिता के कुछ तो होगा नहीं, कि नहीं, तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ वाली बात आई, याद आई थी, तीन चीज थी ना, रैपिड मतलब जीडीपी तेजी से बढ़े था, और था कि लोगों को नौकरियां मिले ना, रोजगार, ब्रॉड बेस था और प्रो पुअर था, है ना, गरीबी कम हो। जब ये तीन इस तरीके के मेजर, इसके अंदर सब इंडिकेटर बहुत होंगे, ये चीजें हो तो और अच्छा होगा। अब कुल बढ़ता कब है तेजी से, बिना कुल को बढ़ाए सबकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी, तो कुल तो बढ़ना ही चाहिए भाई। एक घर है, अब घर में आएगा ही नहीं तो संभावनाएं ही नहीं होंगी। आप कहिए बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है लेकिन कमाते एक रुपया भी नहीं है, तो ऐसा घर का हेड किस काम का, जो लोकतांत्रिक तो बहुत हो लेकिन किसी को रोटी ना दे पाए, दिक्कत है ना। जैसे आप लोग बहुत लोकतांत्रिक होते हैं अक्सर होता है ना कि नहीं, लोकतांत्रिक विचारों का सम्मान। तो जब खुद कमाओ और पैदा करो फिर उसको बांटने की कुवत रखो, तब तो विचार समझें।
अब पैसा दूसरे की, मेहनत दूसरे की, घर दूसरे का, कुछ दूसरे का, आप लेकिन लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक बन जाते हो और उसकी आलोचना करते हो, ऐसा होता है ना? तो वो नहीं करना चाहिए, सबसे पहले खुद पे अप्लाई करना चाहिए, सबसे पहला लोकतंत्र हमारे अंदर आए। लेकिन बिना कर्मशीलता के कोई लोकतंत्र उकतंत्र चलेगा नहीं। तो ये जो चीज हमें है, हमें कुल को बढ़ाना ही बढ़ाना है, पैसा आना ही चाहिए। तो बिना उसके ये सब भी बेमानी है, बीच का इसका कोई मतलब नहीं। जब होगा तब तो हम उसके बांटने में नियम कानून की बात करेंगे, तब तो हम नैतिकता की बात करेंगे, अच्छाई की बात करेंगे। होना चाहिए, शुड बी बिहेवियर, वैल्यूज जिसको बोले, ऑट टू बी, मूल्य बोलते हैं उसको, मूल्यों की बात हम करेंगे, जो होना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जब कुल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं जेब में, तो क्या होना चाहिए, वो तो बेमानी हो जाएगी। इस कारण से कुल को बढ़ाने में हमेशा जोर रहेगा। और नई व्यवस्था ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रतियोगिता सबसे खूबसूरत चीज है, जो चीजों को बड़ा करती है, हमारी जिंदगी को अच्छा करने की कोशिश करती है। ये हम समझ चुके हैं ना? आप समझ में आ रहा अभिषेक कुछ पहले से? ठीक है ना? चलो, तो प्रतियोगिता हमने स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि जो अब जो मानक हैं वे सारे ऐसे होंगे जो प्रतियोगिता में जितने हर्डल हैं, बाजार के विस्तार में प्रतियोगिता को कौन पैदा कर रहा है? बाजार, मार्केट, है ना? जितना प्राइवेट आएगा, जितनी उसमें फ्रीडम होगी, जितनी काम करने की आजादी होगी, उतना ही संभावना है, उतनी ही संभावनाएं हैं कि चीजें और अच्छी हो जाएं। ठीक है ना? तो इसलिए हम नए नए मानक और लाएंगे, जैसे डूइंग बिजनेस, काम करना कितना आसान है ना, तो वो कोई जारी कर देगा। कंपटीटिव इंडेक्स, प्रतियोगी सूचकांक, है ना, तो वो उस तरह के सूचकांक आएंगे, खूब सारे इंडेक्स, तो वो सब बताएंगे इसी को। भाई प्रतियोगिता में अगर हर आदमी स्किल्ड ही नहीं है, अगर वो भी नहीं है तो वो भी दिक्कत है। तो ये भी हो, इसके सूचकांक भी देखे जाएंगे, कुल बढ़ने में तेजी आ रही हो उसका भी देखा जाएगा, और स्किल्ड ज्यादा है और कुल उनके हिसाब से बढ़ रहा है तो नौकरियां मिल रही होंगी, इसका मतलब रोजगार के साथ अगर कुल बढ़ रहा है तो सब ठीक हो रहा होगा, और उसके कारण गरीबी में कमी आ रही है ना। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो अपने आप में बहुत सारी चीजों को खुद ही शामिल कर लेती है, क्योंकि उन तीन इंडिकेटर को मेंटेन करने के लिए बाकी ये सब कुछ सही होना चाहिए पीछे। इसलिए समावेशी समृद्धि की जो हमारी रणनीति है, स्ट्रेटजी, वो खुद को अपने आप में सब चीजों को शामिल कर लेती है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? क्लास में है, है ना? क्लास से बाहर जाइएगा, दोबारा पूछिएगा, ना समझ में आए तीसरी बार पूछना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आए, 10-20% भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मन बड़ा चंचल होता है, शरीर यहाँ रहेगा, मन अचानक चला जाएगा। हो सकता है अभी सुवाल कूची से कुछ लोग लौटे ही ना हो बार बार मन वही सिल्क पे रुकेगा, तो तनाव मत लेना उसका, है ना? तो वहां अगर रुके हो तो लाने की कोशिश करो, वापस ले आओ, ले आओ, जोड़ते हैं, रोकने की कोशिश करो, है ना? ठीक। अब हम इन सारे मेजरमेंट्स को देखने की कोशिश करेंगे, इन सारे मापकों को समझने की कोशिश करेंगे। ये समझ में आ रहा ना ये सारे क्यों है? और दो चार नया भी पढ़ लिया तो तनाव नहीं आएगा? अब आएगा नहीं आएगा ना? बोल दिया करो तो अच्छा लगता है टीचर को अगर किसी क्लास में 100 से ऊपर बच्चे बैठे हैं तो टीचर को हक नहीं है कि वो पढ़ाए। 100 से ज्यादा स्टूडेंट एक क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, वो भी आपकी मैच्योरिटी लेवल पे, और कोई शिक्षक या इंस्टीट्यूट उसको पढ़ाता है, दे आर द क्रिमिनल्स, अपराधी हैं। हाँ, वो सिर्फ व्यापारी हैं जो जिंदगी से खेल रहे हैं बच्चों की, क्योंकि ना तो टीचर वॉच कर सकता है। देखो, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये सिखा दिया ना कि कोचिंग सिर्फ जो है वो गाइडलाइन है, मेहनत आपको करनी है, कोचिंग गाइडलाइन है, तो आप 500 में बैठ गए,
और जब आपको वॉच किया ही नहीं जाएगा, आपको सिखाने की कोशिश की ही नहीं जाएगी, आप सीखोगे कैसे? ये इतना गंदा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा विरोध है मेरा, मुझे किसी से नफरत है, नहीं, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो बोलना हमारा हक भी है और मजबूरी भी है। नहीं, इसमें कहां से, आप जब स्किल्ड बनोगे ही नहीं, आप चीजों को समझोगे ही नहीं, तो आप पूरी व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बनाओगे कैसे? आप ही बताओ। वो पहले से जो बच्चा कमजोर है, जिसको स्कूल अच्छा मिला नहीं, उसको 500 में लाके बैठा दिया और टीचर सेलिब्रिटी होके भाषण देके जा रहा है। कौन सा शिक्षक पैदा हुआ इस मुल्क में, मैं भी उसकी शक्ल देखना चाहता हूं जो 600 में पढ़ा सकता है। यही मैंने देखे हैं ऐसे समाज खा जाने वाले लोगों को। उससे तो लाख गुना अच्छा है कि YouTube पे सुन लो, उससे तो लाख गुना अच्छा है कि आप YouTube पढ़े। पता नहीं क्यों, अगर सिर्फ पैसा ही ध्येय है किसी का, किसी भी व्यक्ति का, और अगर किसी भी शिक्षक को, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सम्मान सिर्फ पैसे में देखना है, तो उसको शराब बेचना चाहिए, बेहतर व्यवसाय है वो। हाँ, उसमें मेहनत कम है, पैसा ज्यादा है। नहीं, बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसमें बहुत सारा पैसा एक्युमुलेट हो सकता है। या तो आप टीचिंग मत करो, शिक्षक मत बनो, और बनो तो फिर कुछ तो सही रहो ना। और आप भी बेटा, या तो आईएएस मत बनना, व्यापार कर लेना, लेकिन अगर आईएएस बनना तो अपना काम ठीक से करना। क्योंकि जिसको आप पता लगता है ना, पूरा का पूरा समाज जिस ये सुधारेगा कौन, मेहनत किसको करनी है? देखो, मुल्क अचानक बदलता नहीं है, लेकिन स्पीड ऑफ डेवलपमेंट बदलती है। जैसे बहुत सारे बच्चों को शायद आप एक साथ नहीं सिखा सकते हो पूरे मुल्क में, लेकिन जितनों को आप समझा सकते हो, सिखा सकते हो, उतने को तो सिखाओ। ऐसा नहीं है कि एक बार सिखाते ही कोई चमत्कार कर बैठेगा, लेकिन पहले से तो बेहतर होगा ना। जैसे पहले से बेहतर होगा, कुल जो पैदा हो रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना, वो बढ़ जाती है। इसीलिए जीडीपी का बढ़ना जो है ना, वो मैटर करने लगता है। इसीलिए हम बोलते हैं 7% बढ़ा, अच्छा है, 8 अच्छा है, 5 हो गया, ओ 4 हो गया। असल में जब आपने बोला 4 हो गया, असल में तो हुआ क्या कि जो आपको 10 बरस में मिलने वाला था, अब वो 11 में मिलने जा रहा। और चूंकि हम सब 500 साल तो जिंदा रहने नहीं वाले हैं, इसलिए हमें तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़िया चाहिए। इसलिए जिनकी उम्र होगी उनको नेक्स्ट ईयर आईएएस क्रैक करना है। इसी माइंड सेटअप में चलो, ठीक ना, इसी पे चलेंगे। कुल बढ़ने के लिए जरूरी है कि चीजें बेहतर हों, और कुल बढ़े तो खूबसूरती से बढ़े। इसके लिए सब कुछ ठीक होना चाहिए। समावेशी समृद्धि के लिए सबसे जरूरी चीज है कि शिक्षा बेहतर हो और स्वास्थ्य बेहतर हो, है ना। लोगों के पास विकल्प हों, चॉइसेस हों, उसके लिए स्वतंत्रताएं चाहिए। और ये तभी संभव है जब रेगुलेशन ठीक होगा इंस्टीट्यूट्स पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, और चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, है ना। हम कुल की बात बढ़े, लेकिन ये ध्यान में हमेशा रहेगा कि कुल कैसे बढ़ना चाहिए। बिना इसके कुछ संभव भी नहीं है, सब कुछ यह भी नहीं है। तो जो टोटल कुल की जब भी बात करेंगे हम, यहां जो कुल पैदा हो रहा था, ये जो सारे लोग मिलकर के कुल पैदा कर रहे थे, इसको हमने जीडीपी बोल दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। बड़ी छोटी छोटी सी, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। और चूंकि काम करने वाला आदमी कुछ सेवा भी तो दे रहा था, मैं पढ़ा रहा हूं तो ये सर्विस ना भाई, और इसको बना रहा हूं तो ये वस्तु है। तो हर तरीके के काम हमारी जिंदगी को अच्छा करते हैं,
तो वो सारी चीजें हम जोड़ेंगे जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि इस टेरिटरी में रहने वाले, एरिया में रहने वाले लोग कुल कितना पैदा कर रहे हैं, ये जो मिल करके कुल कितने से सबकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये तो साफ साफ सा है ना, क्लियर है। लेकिन हमारे सामने कुछ दिक्कतें आएंगी, जैसे यहां पे रहने वाला एक आदमी है ना, ये एक जहाज में बैठ सकता है, ऐसे जहाज में बैठ करके ये निकल जाएगा और यहां कहीं काम करके फिर लौट आएगा। तो ये कमा के लाया, उससे कहां के लोगों की जिंदगी अच्छी होगी, यही वाले की ना। तो इसको अपने में जोड़ ले तो बेहतर है। इसलिए फिर हम भौगोलिक सीमा ना बोल करके आर्थिक सीमा बोलते हैं, सबसे बेहतर टर्म होता है कि जहां तक आर्थिक गतिविधियां चल रही हों, है ना। और हम उन सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जिनके पैसे का उपयोग यहां हो रहा हो, क्योंकि यहां उनके विनिमय के माध्यम का उपयोग अगर यहां हो रहा होगा तो यहां लोगों की जिंदगी अच्छी हो रही होगी। अगर कोई बाहर वाला यहां कमा के निकल गया, कम टाइम में करके जा रहा है, तो ठीक नहीं है ना। इसलिए हम, इसलिए क्या होता है कि कम से कम एक आदमी कुछ लंबे समय तक यहां रहे, तभी यहां के लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना भाई, अगर यहां पे कोई आदमी 3 दिन रह करके निकल जाए तो उसने जो कुछ काम किया उससे यहां के लोगों को फायदा होगा कि वहां दूर वाले को, और ये जो बाहर जाके कमा के आ रहा है तो अगर यहां के लोगों को फायदा होना चाहिए तो तभी होगा जब एक लंबे टाइम तक कम से कम यहां रहे, तो वो पीरियड 1 साल होता है, 1 ईयर, कम से कम 1 साल तक। इसीलिए जो शब्द हम उपयोग करते हैं वो निवासी बोल देते हैं, रेजिडेंट। ठीक, 1 साल मतलब जब जिस दिन ये गिना गया उससे पीछे कम से कम 1 साल से अगर वो यहां पे रह रहा है आदमी, तब उसने जो कुछ काम किया, चाहे वो सेवा पैदा की चाहे वस्तु, हम उसको अपने में जोड़ लेंगे। जो कुल बढ़ा है उससे यहाँ के लोगों की जिंदगी अच्छी हुई होगी। हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों की जिंदगी अच्छी होने की संभावनाओं का पता लगाना, पॉसिबिलिटीज जो है कि लोगों की जिंदगी कितनी ठीक हो रही है उसको हम यहाँ पे समझ पाए, इसीलिए हम ये जोड़ रहे हैं। तो जोड़ते समय हमेशा वो थॉट प्रोसेस बाहर नहीं जाना चाहिए। और चूंकि इसलिए हमने कि कौन सी बाउंड्री बताई थी, इकोनॉमिक बाउंड्री, आर्थिक सीमा, कहीं कहीं राजनीतिक सीमा भी जोड़ सकते हो, सबसे अच्छा यही है। उसके बाद राजनीतिक है, भौगोलिक भी बोल दोगे तो नहीं हो जाएगा, सेंस क्लियर होना चाहिए, सेंस क्लियर होना चाहिए। लेकिन बेस्ट वन कौन है, इकोनॉमिक बाउंड्री, जहां तक आर्थिक गतिविधियां चल रही हो आपकी। यहाँ पे मछली उछली कोई मारने आता है लौट जाता है, उसको अपने में जोड़ लें। समुन्द्र के अंदर यहाँ पे तेल वगैरह निकालते रहते हैं, उससे हम ही को फायदा हो, अपने में ही उसको जोड़ेंगे। जिस आदमी का इकोनॉमिक कंसर्न इधर की ओर होगा और पिछले 1 साल से होगा, उसको हम इसमें सबको जोड़ लेंगे। ठीक, ये होगा। इसके साथ एक समस्या और आके खड़ी होगी, चूंकि हम ये बोले, अब डिफाइन कैसे करेंगे, एक इकोनॉमिक बाउंड्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने एक समय में, निश्चित टाइम पीरियड में कुल कितना किया है, है ना, और कुल में वस्तुएं सेवाएं दोनों हो जाएंगी, ऐसे डिफाइन कर देंगे। लेकिन अभी एक कुछ समस्याएं एक आध और आ जाएंगी, जैसे जोड़ के बैठेंगे समस्या ये आके खड़ी हो जाएगी कि जैसे संभावनाएं बार बार होंगी, जैसे कोई ये बना रहा है मार्कर, तो इसमें क्या लगा, इंक लगा, है ना, इसमें क्या लगा, फोम लगा, प्लास्टिक लगा, ठीक, ऐसा लगा। अब इंक वाले को 3 रुपया मिले, इसको 3 रुपया मिले, इसको 3 रुपया मिले, यहां जिसने इसको सबको असेंबल किया, जोड़ा, ये फैक्ट्री जो थी उसने, उसको 1 रुपया मिला, ऐसे करके। ठीक, फिर जब इसको बेचा गया मार्केट में तो ये 10 रुपए का बेचा गया। अभी मान रहे हैं वैसे अंतर आता है दोनों के रेट में आता है, क्योंकि टैक्स वगैरह लगते हैं। तो अब क्या हुआ, इसने कुल कितना पैदा किया, मान लो 3 रुपया का, इसने 3 का, इसने 3 का, इसने 1 का, यहां जो बेच रहा है उसने 10 का। तो हमने अब जोड़ेंगे कैसे, पैसे में जोड़ेंगे ना। अब ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस मुल्क में
1 करोड़ मार्कर बनाए गए, 10 लाख पंखे बनाए गए, 4 लाख घड़ियां बनाई गई, इतने जूते, इतने कंबल, इतना ये, अब ऐसे तो लिस्ट तो इतनी मोटी किताब आ जाएगी, इसको समझ लीजिए, तब तो गंभीर हो जाएगी। तो हम इसको पैसे में जोड़ेंगे चेंज में कि इतने का कुल पैदा हुआ, तो हमने जोड़ लिया 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 और 10, 20 रुपया जोड़ लिया। अब 20 रुपया जैसे आपने बोला तो समझने वाले को, अब एक मार्कर की कीमत कितनी, 10 रुपया। तो जब आपने बोला कुल पैदा हुआ 20, तो ऐसी संभावना है आदमी को भ्रम हो कि कम से कम 2 लोगों को मार्कर मिला है, लेकिन असल में मार्कर कितना पैदा हुआ है, 1। तो ये डबल काउंटिंग है, दो बार गिन लोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा हिसाब किताब। हाँ चले गए थे बाहर, समझ नहीं है, नहीं बाहर थे, इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। आ जाओ वापस आ जाओ। अरे इंक वाला जो यहाँ बना रहा है, इससे पूछा है तुमने कितना कुल पैदा किया, 3 रुपया की इंक, 3 रुपया, 3, ये 3 सब जोड़ा, ये ठीक, सबने अपना अपना पैसा जोड़ा, 10, इसने भी तो जोड़ा, 10 जोड़ेगा ना। अगर वो सिर्फ यही जोड़ लें हम, तो ऐसा हमें लगेगा कि 20 रुपया जुड़ गए, कुल 20 रुपया पैदा हुआ, और 20 हाँ वही तो पहले है, संभावना ऐसी होती है ना कि इस पूरी चेन में इस आदमी को बिकने के पहले ये पूरा सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, आपस में सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, तो हर आदमी से पूछो कि कितने का काम उसने किया, तो अपना अपना तो बताएगा ना, बिकने के पहले तो जुड़ गए ना, ठीक। तो यही कारण है, तो इसलिए डबल काउंटिंग हो जाने की संभावना बार बार बनी रहती कि 2 बार जुड़ जाए, इसको जोड़ना नहीं चाहिए था, जोड़ना नहीं चाहिए था, वही हमको हटाना है। तो ये भ्रम आ जाएगा कि 2 मार्कर आए, 2 अगर मार्कर बाजार में बिकने को आए हैं तो 2 लोग लिख रहे होंगे ना, कपड़े 2 आए होंगे, जूते 2 आए होंगे, तो लगा घर में दोनों लोग मिला होगा कि एक जोड़ी आया, असली में एक ही है आया, एक ही है, तो ये भ्रम ना पैदा हो। इसलिए हम क्या बोल देते हैं, ये चाहे इधर वाले को जोड़ लो और चाहे इधर वाले को जोड़ लो, ठीक। अगर ये इसमें जुड़ रहा है तो अगर इसको जोड़ा तो यहां वाले को मत जोड़ो, इसलिए अंतिम फाइनल, अगर इसका फाइनल ये है तो फिर आगे मत जोड़ो, और अगर इसको फाइनल मान रहे हो तो फिर ये मत जोड़ो। विच वन इज फाइनल, फाइनल को जोड़ो, इसलिए हम फिर यहां पे एक टर्म यूज आ जाएगा हमारे पास, अंतिम। आप समझ में आया, ठीक। और इधर वाला जो जोड़, अगर इधर वाले फाइनल को सबको एक साथ जोड़ेंगे तो इसको हम फैक्टर कॉस्ट बोल देते हैं, और इधर वाले को अगर हम जोड़ लेते हैं फाइनल को तो इसको हम मार्केट प्राइस बोल देते हैं, बाजार कीमत पर और साधन लागत पर। समझ में आया, कुछ है नहीं इसमें यार, हाँ ये फैक्टर कॉस्ट है, साधन लागत, ये मार्केट प्राइस है, 2 में से एक ही को जोड़ना है आपको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब जो निश्चित एरिया में, इकोनॉमिक बाउंड्री में है ना, जितने लोग रह रहे हैं रेजिडेंट, वो एक फिक्स टाइम पीरियड में जो कुल पैदा कर रहे हैं, फाइनल ये वर्ड जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि आप या तो इधर का जोड़ रहे हो या तो उधर का जोड़ रहे हो, ठीक। क्योंकि अगर आपने इसको भी जोड़ लिया और फिर इस यही तो लगा इसमें ना, तब तो ये इंटरमीडिएट है ना, माध्यमिक वस्तु हो गई ना, जो किसी प्रक्रिया में 2 बार उपयोग में आई कि नहीं। अच्छा वहां वाले पे कंफ्यूज हो तो ये 1 की जगह 10 जोड़ ले, इसको जुड़वा दो, ये नहीं जोड़ेगा कि 3 इसको दिया 3 इसको दिया 3 इसको दिया, 1 रुपया मैंने जोड़ा अपना, तो ये 10 रुपया जोड़ लेगा ना। तो उससे बचने के लिए हम इस वर्ड का यूज कर देते हैं। तो जब डिफिनीशन में ये हम 4-5 शब्द रख लेंगे कि कुल जो पैदा हुआ है, फाइनली कुल कितना पैदा हुआ एक निश्चित एरिया में, एक फिक्स टाइम पीरियड में कुल कितना पैदा हुआ, ठीक। और अगर इसको जोड़ने के तरीके क्या है, इधर वाले को जोड़ लिया यहां तक का, तो फैक्टर कॉस्ट
जब हमने इसको एक किया था तब, और उधर वाले को मार्केट प्राइस, दो तरीके से। आसान सी चीज़ें हैं यार, कुछ है थोड़ी इसमें। हाँ, अब उसमें टैक्स वैक्स नहीं लगाओगे क्या? अरे इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे सरकार ने कहा कि जैसे चीजों को, कीमतों को कौन बढ़ाता है? डायरेक्ट, दो टैक्स जो है दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, जो टैक्स जैसे किसी चीज की प्रक्रिया के पूरे होने, जैसे प्रोसेस के पूरे होने के पहले लग जाता है, उस टैक्स को आदमी बेचने में जोड़ लेगा। जैसे अगर मैं इसको बना के बेचने जा रहा हूं, उसके पहले मेरे ऊपर टैक्स लगा लिए तो मैं जोड़ लूंगा ना इसको कि नहीं जोड़ूंगा? दाम एक वो भी जोड़ के लो, 10 में बेच रहा था, सरकार आई तुम्हारे ऊपर 1 रुपया जीएसटी लगा दी, अच्छा एक और ठीक है लो 11 में लो तो वो 11 एक मैं सरकार को दे दूंगा, ऐसा करता है ना दुकानदार। ठीक, और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जैसे मैंने बेच दिया ये 10, ले जाओ 11 में, फिर मैंने आया मेरे पास 4 रुपया बचा बेचने के बाद, तो आया तब सरकार आएगी बोलेगी वो जो तुमने 4 कमाया है ना उस पे दो, तो अब मैं आपसे नहीं ले पाऊंगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो उसका क्या होता है प्रभाव आप पे नहीं डाला जा सकता है, मतलब मुझ पे लगाया, मुझ ही से वसूल, मेरे ऊपर ही प्रभाव आया ना उसका, क्योंकि बिकने के बाद आया था। और बिकने के बाद क्या आता है? लाभ। काम करने के बाद क्या आता है? इनकम होता है ना, इनकम टैक्स, कहीं पे बेनिफिट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, जहां ये शब्द आएंगे लाभ आय, ये क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आते हैं, तो ये कर जो है वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये किसी चीज को कीमत को नहीं बढ़ा पाते हैं। कीमत को बढ़ाने वाला कौन है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है ना? जिस पे लगाया असर दूसरे पे, टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इंपैक्ट अगर अलग अलग हो जाए, मतलब लगा जीएसटी 1 रुपया यहां वसूल लिया आपसे, तो इनडायरेक्ट कर आघात, आपात और फिर आपात, मारा जिसको वही कट गया अगर तो डायरेक्ट आसान सा है ना, कुछ नहीं है, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं यार इसमें। ये सब इकोनॉमिक्स नहीं है, ये सब बेसिक अकाउंटिंग है, ये सब बच्चों का गेम है, अभी हो जाएगा कुछ दिन में, टेंशन मत लो। इकोनॉमिक्स तो कुछ और है ना, जो सवाल कुछ ही समझ रहे थे वो इकोनॉमिक्स है रियल में यार। वो किस चीज का इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है, वो जो चीजों के एक लिंकअप है आपस में वो इकोनॉमिक्स है। वो नीति क्या हो जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हर सेक्शन को समझना। अब इसमें क्या है, इस क्लास में मैंने कहा 70-60 लोग बैठे हुए हैं और सब मिल करके इतना काम कर लेते हैं, सबको जोड़ लो तो इस क्लास की जीडीपी हो गई है ना। हाँ गुड, अब ये हो गया, इसमें जो इसका दाम था सब पे टैक्स लग गया होता 1-1 रुपए का, प्लस इस पे भी एक, तो माल महंगा हो जाता ना 4 रुपया। ठीक, तो इधर वाले और इधर वाले में रिश्ता क्या था कि जैसे हमने कहते फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। क्लियर हो गया ना, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर सरकार ने कहा कि ये जो स्याही बनाने वाले लोग हैं ये बहुत गरीब हैं, इनका माल बिक नहीं रहा है ना, इनके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि ये माल अपना चूंकि चीन वाला माल आ गया है तो फोम वाला 2 रुपए में चीन वाला खरीद रहा है, कह रहा भाई मैं तुम्हारा नहीं लूंगा और किसका लूंगा, चीन वाले का लूंगा, और सरकार ने 1 रुपया टैक्स लगाया, इसका माल था 4 रुपया, तो सरकार ने टैक्स भी छोड़ा और इससे कहा कि तुम 1.5 रुपया की सब्सिडी ले लो मुझसे, ये लो 1.5 रुपया छूट सहायता, और अपना सामान कितने में बेचो? 1.5 में, क्योंकि रोजगार किसका बचाना है भारत सरकार को? भारत वालों का ना, चाइना वालों के हिसाब से थोड़ी ना जोड़ना है। और आपसे कोई कितना भी कहे राष्ट्रवाद के नाम पे 4 में खरीद लो इसको, आप नहीं खरीदोगे। अगर आपको पेन 10 रुपए की मिल रही है और कोई दूसरा बोले कि देखो ये हमारा मुल्क है और मित्रों राष्ट्र के नाम पे इसको 40 रुपया में खरीद लो, बोलो खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो अगर ये खरीदेंगे तो सांस फेंकते हैं मोदी जी बोलते समय, देखना मित्रों
जैसे सांस वॉइस निकलते, तो ये जो चीज है तो आप ये समझिए, तो राष्ट्रवाद जो है ना वो जैसे जेब पे भारी पड़ता है तो किनारे हो जाता है। तो इसलिए फिर आप चाइना के माल का बहिष्कार नहीं कर पाते हैं। हाँ आप नारा जरूर लगाते हैं फेसबुक पे, तो अगर ये चाइना वाला 2 में मिलेगा और इस फॉर्म बनाने वाले को 4 में इंडियन मिलेगा तो चीन वाले से बनाएगा ये, है ना, 4 से बनाएगा। तो सरकार को अगर इसका बिकवाना है तो 1.5 रुपया सब्सिडी दे दी, और जैसे इसका माल 3 की जगह 4 की जगह 1.5 में हुआ तो ये माल सस्ता हुआ ना कि नहीं, तो इस कीमत से माइनस सब्सिडी हो जाएगी। अगर सब्सिडी दे दी वो जो बाजार में चीज की कीमत होने वाली है वो कम हो जाएगी। समझ में आया? हाँ क्लास में नहीं हो गए तो कहीं और चले गए थे, ऐसा ही था। इसमें कौन सी बात है यार, देखो भाई ये तीन धन एक, पहले फिर क्या था 3+1, यही दाम जोड़ रहे थे ना, 3+1+1 इज इक्वल टू माने है ना प्लस मार्केट प्राइस, मतलब ये टैक्स थे ना। अरे तो यार 4 रुपया है ना, 1+1 12 12 2 14, तो आपने कहा 14 रुपया में बिकना चाहिए ये मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कितने का अंतर आ गया, 4 रुपया का आ गया ना, टैक्स 4 रुपया लग गई थी। याद आया, समझ में आया ना कि नहीं? यार इतनी छोटी चीज तुम लोग इतना हैवी क्यों कर लेते हो? अब इसमें ये बताओ कि अगर ये वाला आदमी, मैं ये वाला स्याही वाला इंक वाला ये है ठीक, इस ये कितने में बेच रहा था टैक्स लगाने के बाद, 4 में, तो भाई अगर क्या हुआ 1.5 रुपया इस, अब ये 1.5 में बेच रहा है कि उसको 2.5 रुपया सब्सिडी हो गई, तो कीमत कम होगी कि नहीं, 2.5 रुपया कम हो जाएगा ना उधर वाला माल। तो इसमें और क्या कर रहा हूं मैं, फैक्टर कॉस्ट में ये जोड़ रहा था पहले, अब यही 2.5 माइनस कर दिया तो ये आ गया। किसी भी चीज की कीमत का वह हिस्सा अगर मैं तुमको सब्सिडी दे रहा हूं तो वो मैं अपने कंधे पे ले लूं, ठीक, चाहे लागत का हिस्सा हो चाहे उसकी कीमत का हिस्सा हो, जिसका बोझ सरकार खुद उठा लेती है। हाँ और क्या, जैसे आपने कहा गैस सब्सिडी, तो उसमें क्या हुआ, गैस सब्सिडी आपने बोला, आपको आपसे 400 लिया गया और बाकी पैसा कंपनी को किसने दिया, सरकार ने ना, तो आपको जो चीज मिल रही है उसकी कीमत का वह हिस्सा जो सरकार ने उठा लिया वो क्या है, सब्सिडी। तो अभी बाद में समझ में आ जाएगा, अभी इधर समझ लें उधर वाले। सर तो गवर्नमेंट तो ये इंक वाले को देगी ना 2.5 रुपए की सब्सिडी, तो फैक्ट्री वाले तो उतनी भी करेगा तो फिर वो रेट को डाउन करेगा। हाँ वाह भाई साहब, अरे यार जब फैक्ट्री वाले को सस्ता मिलेगा तो सस्ता नहीं बेचेगा वो। सर जैसे कि एक इंफॉर्मेशन लगाना है, हाँ एक टाइम वो छोटा का बेच रहा है, हाँ तो गवर्नमेंट ने उसको इंक वाले को सब्सिडी देने की स्टार्ट कर दी, क्यों करेगा ना, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ क्या है प्रतियोगिता है और फैक्ट्री एक तो है नहीं, अब दूसरे वाला अपना रेट कम करेगा कम करेगा कि नहीं करेगा दूसरा वाला, ठीक, एक ही फैक्ट्री थोड़ी ना है, वो तो समझने के लिए एक ले ली ना आपने, ये तो हजारों है ना, तो कोई भी अपना माल बेचने के लिए सस्ता करने लगेगा, तो प्रतियोगिता अपने आप रेट को वहां तक ले आती है एकदम मिनिमम प्रॉफिट जोन पे, ठीक ना, ये समझ में आ गया। अब देखो हुआ क्या कि जैसे यहां पे जो आदमी रह रहा है, यहां पे जो आदमी काम कर रहे हैं, जैसे आपका घर है, आपके घर में कोई आदमी 1 साल से रह रहा है, वो आपका रिश्तेदार है, आपके घर में जो पिताजी हैं पापा
ये कमा रहे हैं मान लो 50,000, ठीक, और मम्मी को नौकरी करवाएंगे 20,000 कमवा दे, थोड़ा यार महिला 40,000, 50 ही कमवाऊंगा, नहीं बाद में कहेंगे कि ये जेंडर इक्वेलिटी की बात, 50,000 मम्मी कमा रही हैं, है ना। अब बच्चे तो कुछ कमाएंगे नहीं, वो पढ़ रहे हैं, ठीक, तो आपके घर की इनकम 1,00,000 हो गई, है ना, 1,00,000। अब आपके यहाँ एक रिश्तेदार आया, ये कहीं बड़ी जगह से इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करके रह रहा है और 1 साल से आप क्या रह रहा है और कहीं नौकरी कर रहा है और इसकी इनकम है 1,00,000 रुपया मंथली, ठीक, तो आपके घर की इनकम कितनी हो गई, 1,00,000 होगी ना, क्योंकि इसकी कमाई से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना ऐसा भाई, क्योंकि इसके घर के लोगों की जिंदगी आपकी, इसकी इनकम से नहीं जन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें जानना क्या था, जिंदगी अच्छी हो जाए। तो ये जो रिश्तेदार लोग हैं ना, अभी तक इनका जुड़ जा रहा था, जब ये सब जोड़ ले रहे थे तब हम इसको GDP कह देते थे, और अगर हम ये रिश्तेदार को हटा देते हैं तो हम इसको GNP बोल देते हैं। जब हम सिटीजन की बात करते हैं, राष्ट्र नागरिकों की बात कर लेते हैं, तब हम उसको GNP बोल देते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। नोट्स मिल जाएगा, अभी उसमें सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना उसको, अभी दो एक दो नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक तो हैंड मिल जाएंगे, दो कॉपियां, और जो वाले मिल रहे हैं वो तो अगली वाला, ये वाला एरिया वाला मिल जाएगा, ठीक, ये समझ में आ गया ना, ठीक। असली में देखो GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। राष्ट्र क्या होता है, जैसे भारत एक राष्ट्र है, अगर बोल दिया, है ना, तो भारत में क्या है, पहली बात, एक भारत की भौगोलिक सीमा है, है इसमें रहने वाले लोग हैं, अगर लोग को निकाल दो खाली ज्योग्राफी बचे तो कोई मतलब है नहीं, अगर लोग लोग रहे ज्योग्राफी गायब कर दो तो भी कोई मतलब, दो कंपोनेंट हो गए, ठीक। फिर ये सारे लोग मिलके रहते हो आपस में, अलग अलग ना हो, तो इनकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, इन सारे लोगों की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कॉमन डिसीजन ले सके, तो तीसरा कंपोनेंट हमने कह दिया सरकार, ठीक, तीन लोग हैं और चौथा, ये ऐसा ना हो किसी, मतलब ऐसा ना हो कि सरकार तो है लेकिन सरकार जो है वो ट्रंप चलाते हैं वहां से, ये वाला डिसीजन ले लीजिएगा, अच्छा ले लिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, तो अपना डिसीजन खुद लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसको हम संप्रभुता बोलते हैं, सॉवरेन, है ना, सॉवरेनिटी बोलते हैं, खुद अपना डिसीजन लेने की क्षमता, एक और वर्ड हो गया, तो ये चार शब्द मिला के एक चीज को क्लियर कर दी, मतलब ये हमारा कुल मिला के देश हो, हम अपना निर्णय ले सकें भाई साहब, और ये हमारा है, किसी और का हस्तक्षेप नहीं, ये वाला थॉट होना चाहिए, तो ये राष्ट्र हो जाता है, और साथ में रहने वाले जो लोग हैं ना उनमें थोड़ी भावना भी हो, ये मेरा मुल्क है तो थोड़ा राष्ट्र हो जाता है, अगर ये वाली भावना नहीं होती तो वो राज्य बोल देते हैं उसको, है ना, इमोशनल अटैचमेंट अगर नहीं है किसी पे, अटैच नहीं है तो फिर राज्य है, और अगर वो वाला भी है, मेरा मेरा देश, मेरा संविधान, हमारा झंडा, ये वाली फीलिंग है तो वो राष्ट्र है। तो राष्ट्र का क्या होता है, नागरिक होता है, नागरिकता, नागरिक कौन होता है, नागरिक वो होता है जिसको मूल अधिकार फंडा, है ना, फंडामेंटल राइट और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, दोनों मिले हैं, जिसको दोनों पूरे पूरे मिले हैं हमारे यहाँ, वो कौन है, नागरिक है। जैसे आपके परिवार में सदस्य कौन है परिवार का, जिसके पास पूरे अधिकार, किचन तक जाता है, जो मन आए खाए, जो मन आए जिधर बिस्तर करता, कुछ भी उसके पास है ना, और साथ में ड्यूटी भी है ना घर में, ये काम होगा तो तुम करोगे, तुम करोगी, ये है वो है ना, और जिसके पास दोनों ना हो वो मेंबर नहीं है ना परिवार का,
हाँ ये तो जानते हैं, उसी से निकला सब, ये इतना दिव्य ज्ञान नहीं है ये सब, परेशान मत हो। हु इज सिटीजन, नागरिक वही है भाई जिसके पास ड्यूटी और राइट दोनों है, आपके घर का ऐसे आपका अच्छा वाला कौन होता जो किचन तक आ जाए, सहेली कौन अच्छी जो रसोई तक आए, घर की सारी बातें करें, है ना। और कर बाहर बाहर वाला ये गेट खोल के ऐसे बात कर ली, बात कर लिया, अच्छा अच्छा ठीक है चलो जाओ बड़ा तो इसका मतलब गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका नागरिक होता है, नागरिक का चूंकि अटैचमेंट होता है, तो अगर आपका नागरिक बाहर भी रह रहा है, अगर इनका बेटा, इनके घर का इनका बेटा मम्मी पापा का, या इनकी बेटी, बेटी लेते हैं, ये बेटी जो है ये कहीं दूसरे देश रहती है, गई है जॉब करने के लिए और वहां कमा रही है खूब सारा पैसा, बेटा खूब सारा कमा रहा है, यहां पे 2 लाख कमा रहा है वो महीने का, तो उससे इनकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा, पढ़ने लगेगा ना। तो भाई जो अपने हैं क्योंकि ये सिटीजन है, मेंबर है, उनका जोड़ेंगे और रिश्तेदारों का नहीं जोड़ेंगे, बस इतना सा है। तो उसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक। तो भारत के जो लोग बाहर हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनका जोड़ लेंगे, और जो बाहर वाले यहां आए हैं उनका नहीं जोड़ेंगे। अगर विदेशी कंपनी यहां काम कर रही है तो उसका हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अपना प्रॉफिट वो कहीं और ले जाएगी, और भारत वाली कंपनी बाहर गई है तो उसका हम जोड़ लेंगे, तो वो राष्ट्रीय वाला हो जाएगा, ठीक। तो जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी से प्लस माइनस कर दो, नेट फैक्टर मतलब वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आने वाली शुद्ध आय, ऐसे जोड़ लेते हैं तो जीएनपी मिल जाता है। मतलब ये जो बाहर सारे लोग हैं वो कुल कितना भेजे और यहां वालों ने कुल कितना बाहर भेजा, यहां वालों ने अगर 1 करोड़ बाहर भेज दिया है ना, और वहां 1 करोड़ यहां भेजा है, तो जीडीपी में 1 करोड़ जुड़ जाएगा, और यहां से ज्यादा भेज दिया है और आया कम है तो जीडीपी से कम हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अब ये इकोनॉमिक्स थोड़ी ना है यार, ये तो बेसिक अकाउंट इसी के इकोनॉमिक्स माने बैठे हैं, तो पता लगा सेन साहब इसी में परेशान है जीडीपी कैसे गिन हम तो बस ये करने की कोशिश करेंगे कि ये फाइन हो जाए, तो फिर हम बेसिक प्राइस वगैरह पे आ गए हैं, अब कैसे गिनेंगे वो देखेंगे हम। अब देखो जीडीपी 2 तरीके से गिनी जा सकती थी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे। जीएनपी भी 2 तरीके से गिने होंगे, फैक्टर प्राइस और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। उसी तरीके से, ऐसा थोड़ी ना है कि जो घर का आदमी है मार्कर बना रहा है तो तरीका बदल गया। डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम यहां भी आएगी वहां भी आएगी, बस दोनों में अंतर यह है कि जोड़ेंगे किसका। अब इस वाले में तो बाउंड्री नहीं ले पाओगे ना, क्योंकि पता लगा रूस में बैठा है तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। बाकी सब कुछ रहेगा, बाउंड्री हट जाएगी, बाकी सब रहेगा। एक निश्चित टाइम पीरियड है जो रहने वाले सभी नागरिक कुल पैदा करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, है ना, अंतिम सेवा और वो, ठीक। वो टाइम फेज बोला था, 1 साल अगर रह रहे हैं तो हम क्यों जोड़ेंगे। आपके यहाँ का कोई ऐसा है कि नहीं भाई खानदान तो हमारा ही है और रह रहे हैं अमेरिका में तो उनके कमाने से हमारी जिंदगी नहीं बदलती। कुल मिला के देखो मकसद ये है कि लोगों की जिंदगी ठीक होनी चाहिए। हम बार बार वहीं आ जाएंगे, अकाउंटिंग कुछ नहीं है, जिंदगी कैसी हो रही है, कुल जो पैदा हो रहा है उसको हम कितना फाइन करके जोड़ सकते हैं। तो पहले जब हमने जीडीपी जोड़ा तो इसमें यह था कि जो पता लगा यहां पे वो बाहर से आकर के माइक्रोसॉफ्ट वाला ज्यादा पैदा कर रहा था और अपना लेके चला जा रहा था, तो यहां के रहने वाले लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं हो रही थी। तो फिर इसलिए हमने कहा भाई ऐसा करो जीएनपी जोड़ो,
तो पता लगा लोगों की जिंदगी और पता लगने लगी और अच्छी होने लगी। ठीक, अब कुछ और समस्याएं आएंगी, अभी भी कुछ नहीं पता लगेगा, कुछ फिर हम और लाएंगे। अभी हमने क्या किया, इसमें एन जोड़ दिया, नेट, इसी को एनडीपी कर दिया, एनएनपी कर दिया, कि मतलब हमको और अच्छा पता लगे कि कुल कितना बढ़ा है। जितना आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि कुल कितना बढ़ा है, तो उतना ही तो आप अंदाजा लगाओ कि यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी ठीक हुई होगी कि नहीं। तो जो रिश्तेदार लेके चले गए उनको हम नहीं जोड़ेंगे, तब हमें फिर दिक्कत है। एन एन का मतलब होता है इसमें से हम डिप्रिसिएशन घटाते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो कोई कर्मचारी है आपकी कंपनी में, वो मार्कर बना रहा है, यही वाला बना रहा है, 1,00,000 रुपया का साल भर में उसने आपको प्रॉफिट कमवाया। ठीक, मतलब उसने कुल 1,00,000 प्रोडक्शन किया मान लो, तो 1,00,000 रुपए का उत्पादन किया, माल बिका, उसमें आया, आप भी खुश। तब तक ऊपर से कानून है, अगर ये आपका कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ है, तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये जानते हो ना, होता है ना। अब 1,00,000 का कमाया, अब पता लगा कि जो है वो बीच में जो है वो कहीं हल्का सा कुछ ले वगैरह लिए थे और मार्कर बनाते बनाते गिर गए, हाथ पांव उनके टेढ़े हो, तो अब टूट गए हैं, तो अस्पताल में भर्ती हैं, तो पता लगा उन्होंने 2,50,000 रुपए का बिल चढ़ाया है। तो आपकी कितनी कमाई हुई, 1,00,000 पहले हुई थी, और डॉक्टर को देते ही 2,50,000 अपनी कमाई में और जोड़ लोगे, तो कुल 12,50,000। अच्छा, इसको माइनस करोगे तो ये कंपनसेशन हो गया। उसको क्यों जोड़ोगे कुल में, वो कुल कहां पैदा हुआ, वो तो टूट फूट थी, उसको सही कर रहे थे। तो ऐसे मशीनें भी टूटती फूटती हैं, उनको भी सही करना है, इंसान भी टूटता फूटता है, उसको भी सही करना है, हर जगह घिसता। तो पता लगता है कि कुल जो पैदा हुआ है ना, वो एक्चुअल में कुल नहीं है, उसमें से इस तरह की चीजों को घटा दो, इस तरह की, जैसे जीडीपी से, ग्रॉस से, जब इस तरह की जितनी भी, चाहे वो मशीन की हो, चाहे वो इंसान की हो, है ना, किसी भी तरीके से जो कुल हो रहा है ना, कोई माल अगर नहीं भी बिक रहा है, डंप हो गया है, अगर वो खराब हो गया है, तो वो भी तो गड़बड़ है, उससे कहां जिंदगी पता लगेगी, तो वो भी घटना चाहिए कि नहीं, घटना चाहिए ना। तो वो सारी चीजें घटाओ, उसके लिए एक हमने वर्ड यूज कर लिया, घिसावट या डिप्रिसिएशन, है ना। कोई शब्द तो बनाएंगे ना, वही सब टूटा, उसको घसा, जैसे ही इसको घिसावट को इससे माइनस किया, नेट आ गया शुद्ध, तो बोल दिया शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो इन दोनों में ये अच्छा था, तो इसमें भी एन लग जाएगा ना, तो एनडीपी और एनएनपी, ये सबसे शुद्ध हो जाएगा। तो अगर किसी मुल्क का हम एनएनपी जान जाते हैं ना, थोड़ी कर लेगी डेटा, हम असली क्या होता, अभी बताता हूं कैसे गिना जाता है। 10% इसका मान लेते हैं, मशीनों का, जो मशीनें हैं इनका ठीक सवाल है कि जैसे जो मशीनें वगैरह लगी हुई हैं उनकी घिसावट कितनी हुई, उसको कैसे जोड़ लें, तो उसका मेथड होता है, जैसे उसका एक लाइफ साइकिल होती है, मान लो वो मशीन की उम्र है 10 साल, बताया जाता है ना, जब घर बनाया जाता है तो बताया जाता है ये 40 साल चलेगा, ये मशीन 10 साल लिखी रहती है ना, एक्सपेक्टेड एज, तो 10 साल चली तो हर साल 10% माइनस करते जाओ, 20 साल चली तो हर साल 5% माइनस करते जाओ, तो कम करोगे ना, घिसना कम परसेंट हो जाएगा ना यार। अगर कोई चीज 20 साल में घिसी तो हर साल 5% घिस रही है, अरे एक एवरेज निकालने का है यार, जीडीपी में क्यों नहीं जोड़ेंगे, आपको क्या जोड़ना है, कुल कितना पैदा हुआ, 21वें साल भी चल गई और कुल पैदा कर लिया तो जोड़ लोगे ना, हाँ कि नहीं। आपने एक मुर्गी पाली है, वो आपने जोड़ा 20 अंडे देगी, तो 21वां अंडा देते ही आप क्या करते हो, उसको उठा के फेंक देते हो कि खा लेते हो तो यार ये इसलिए जोड़ रहे हैं बेटा कि जिंदगी ठीक होनी चाहिए, उसको मत भूलो बार बार, तो ये कंफ्यूजन्स नहीं आएंगे। हम कुल इसलिए जोड़ रहे हैं कि हमें उसको, हमारी जिंदगी ठीक हो, कुल कितना ठीक हो सकता है, उस संभावना को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना, क्लियर ना।
कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? हाँ इसी में पूछो, अब तो मजा है। सर आप इसके साथ में बताया था कि मम्मी पापा और अगर कोई बेटा वगैरह बाहर रह रहा है, हाँ, तो सपोज बाहर रह रहा है, यहाँ की सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन अगर कोई उसकी इनकम से इफेक्ट पड़ रहा है फैमिली में, तो वो ऐड होगा? हाँ यार, तो उसकी इनकम तो जोड़ ही रहे हैं, बोले तो। अरे नहीं यार, सिटीजन नहीं होगा तो कि तुम्हारे बेटा ही नहीं है घर का, है? बेदखल कर दिए हो। नहीं, औलाद औलाद को बेदखल किए, बीबी बच्चा लेके चला गया कहीं और, अब बाद में वो कमा रहा है तो आशा कर रहे हो यार दिया नहीं। आप ये आप कैसे निकाल रहे हो? एक रफ आइडिया है, एक एस्टिमेशन करोगे। चलो तुमको पूरे भारत का ये मैं बना देता हूं गिनने वाला सबसे मुख्य आदमी। अब तुम 130 करोड़ लोगों का घर घर जाके गिन लो। कोई गिन लेगा क्या? अरे बेटा, तो हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, हमारे पास रफ आइडिया होते हैं, उनको लेकर के कैलकुलेट करके एक मोटा मोटा आंकड़ा दे देते हैं। हम एक एक खेत जाकर के किसान से नहीं पूछते कि भाई साहब कितने क्विंटल धान हुआ है इस साल, नहीं होता है, है ना? तो जो जीडीपी कैलकुलेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिला स्तर पे होता है सबसे, है ना? और इवन जो एस्टिमेशंस होते हैं फसल वगैरह के, वो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, वो ब्लॉक लेवल पे भी होते हैं, लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या है? जिले की है। जो ये कंपनियों का मंत्रालय है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, उसके पास भारत की सारी जो कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। जो रजिस्टर्ड हैं वो अपना डेटा देती हैं, डेटा देती हैं तो वो सीएसओ को दे देगा और वो उससे गिन लेगा। तो सब जगह से वो आंकड़े इकट्ठा करेगा, उसको लेकर के एक रफ एस्टिमेशन हम लेते हैं। हमारे पास कंफर्म कैसे होगा? जिस आपकी गतिविधि का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, उसको कैसे कोई जोड़ेगा? नहीं जोड़ा जा सकता। तो जब अनरजिस्टर्ड कंपनियां बढ़ेंगी तो जीडीपी कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा, ब्लैक मनी ज्यादा होगा। ब्लैक मनी मतलब क्या होता है? काला पैसा, जो काला काला है ना। हाँ, हिसाब उसाब नहीं होता, जिसका हिसाब। घर घर में क्या होता है कि असल में क्या है कि जब माँ का काम देखोगे तो माँ का जो काम है वो अपने लिए नहीं है बल्कि पूरे परिवार के लिए है। अगर माँ घर पे खाना बना रही है तो वो पूरे परिवार के लिए बना रही है ठीक, लेकिन उसके लिए उसको कोई इनकम मिलती है क्या? मीडियम नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों की जिंदगी तो अच्छी होती है ना उससे। अगर वो घर को मेंटेन करती है तो बाकी लोगों की जिंदगी अच्छी होती है कि नहीं होती है? अगर आप घर जाकर के 3 घंटे में अपना खाना बनाते, बिस्तर सही करते और 3 घंटे आपका रोज खर्चाता इसमें, और अगर ये काम माँ ने कर दिया तो 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी और रेस्ट बढ़ा कि नहीं? आपका आराम और उत्पादकता बढ़ी ना 3 घंटे की कि नहीं बढ़ी? उसके काम से फर्क पड़ा ना आप पे। ये अगर यही माँ जो हमारी मम्मी लोग काम करती घर में खाना बनाया, वो किसी दूसरे के घर जाके खाना बना देना तो उसके बदले उनको पैसा मिलेगा, समझो। तो यहां एक बड़ी समस्या है कि माँ के जो घर के काम है, जो माँ का वर्क है, महिलाओं के जो घरेलू कार्य हैं, उनको जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए, समस्या। देखो अगर आप तार्किकता से सोचोगे तो जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन समस्या हमारे पास ये है कि बेटा वो डेटा हम कहां से ले आए, वो खुद आंकड़ा कहां से लाओगे? अब किसी की अम्मा जो है वो पता चटनी पीसी तो सिलबट्टे में पीसी 1 घंटे में, तो उनकी इतनी चटनी निकली कि दूसरे की अम्मा के पास मिक्सी थी, लगा के बटन घुमा दी तो 10 मिनट में बन गई। तो यार अब काम तो उतना ही हुआ क्योंकि मशीन नहीं थी ना। अब दोनों को कैसे जोड़ दोगे अब कॉमनली? तो हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बड़ी हम कैसे जोड़ें, ये है। जोड़ना चाहिए ये हम जानते हैं। अब भारत में क्या है, चले जाओ आपकी आपकी जो लोकल बाजार है उसमें 95% जो दुकानें हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसी पे तो खाता है कॉमर्शियल टैक्स वाला। अगर सब पंजीकरण ही हो जाए तब तो हालत गंभीर हो जाएगी, कैसे कमाएगा अधिकारी बीच में जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स वाले जो लोग हैं। तो अब ये इसलिए कमा पा रहा है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, तो इलीगल हो गया। लेकिन जब अच्छा वो घूस ले लिए 2,000-5,000 रुपया, अच्छा चलो पड़े रहो, ठीक है मंथली पहुंचाते रहो, बीच ब्याज मिल, कुल जीडीपी में कैसे जोड़ोगे इसको? तो ये तो गई ना।
तो विकासशील देशों की समस्या क्या है कि जो एक्चुअल में होती है जीडीपी उससे कम ही दिखती है, हम कितना भी रफ एस्टिमेशन लें हमेशा वो कम ही देखेंगे। ठीक, और आप अब जाके बताओ ये जो ठेला वाला है कैसे जोड़े इसकी रिक्शे वाले की इनकम कैसे जोड़ी, ना तो कितने रिक्शे हैं इसका कोई डेटा है देश में, रिक्शा जो चला रहा है उसका भी कोई नहीं है। खेत में टमाटर पैदा हुआ या दुकानदार एक आदमी ने बिस्किट बनाया, बिस्किट गेहूं पैदा हुआ था खेत में, वहां से लेके बिस्किट बना, बिस्किट बिक भी गया, किसी ने खा भी लिया और मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ, लेकिन सरकार की निगाह में एक भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई, उत्पादक गतिविधि नहीं हुई, जबकि चार पांच हो गई इसमें, हो सकता है दर्जन भर हो गई हो, सब लोग ने काम किया होगा, है ना, तो उसको कैसे जोड़े हम जीडीपी में, ये बड़ी समस्या हमारे पास है। तो इस तरह की जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपको गिनने में हर्डल्स हैं जिस कारण आप ना गिन पाओ, वो सारी समस्याएं हैं। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या महिलाओं के श्रम को जीडीपी में जोड़ा जाना चाहिए, तो जोड़ा जा घरेलू श्रम को, महिलाओं के घरेलू श्रम को तो जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई मेथड नहीं है, इसीलिए वो हाउस वाइफ से, हाउस वर्कर से हाउस मेकर शब्द यूज होने लगा, मेकर का मतलब यही था असल में। इस एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप जैसे किसी आदमी, हम औसत रूप से मान ले कि एक आदमी अगर अपना खाना बनाए, कपड़ा धोए, अपना बिस्तर बिछाए और सब काम अपना करे, एक आदमी करे, और अगर इस सबको काम को करने में 2 घंटा वो खर्च करता है, ठीक, और 8 घंटे की नौकरी करता है, वो 8 घंटे की नौकरी करता है उस परिवार में, तो अगर उसकी इनकम मैं मान लिया कि रोज 800 रुपया है, रोज 800 रुपया है, 24,000 रुपया औसत आ रहा है अगर, तो अब महिला अगर ये 2 घंटे और काम करता है तो इनकी इनकम कितनी हो जाती है, 1,000 रुपया हो जाती है। महिला के ना रहने पर ये 800 कमाता है और महिला के रहने पे ये 1,000 रुपया कमाता है, ठीक। तो हम ये औसत निकाल सकते हैं कि महिला का जो इस 2 घंटे का ये वाला काम था ये 200 रुपए का था, ठीक। अब जितने अन्य मेंबर हो उस हिसाब से निकाल लो, अगर 5 मेंबर हैं तो उसका भी 1,000 का हो गया। इस तरीके से हम एक एस्टिमेशन कर सकते हैं, अगर लोग चाहें तो करें, हमारा कोई सुनेगा नहीं है ना, तो इस तरीके से हो सकता है, अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। बेटा होता क्या है ना, जैसे आपको ये बता दिया जाए, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, जब आप किसी को बता देते हो उस महिला को अरे किसी लायक नहीं है जिंदगी भर, अब पुरुष को हमेशा कमाने वाला बना दिया, महिला ने भी तो घर से काम किया, अब महिला को ये बता दो कि भाई तुम्हारे काम के कारण ये इतना कमा पा रहे हैं तो इसमें इतना हिस्सा तुम्हारा है, तो अचानक ना वो मनोविज्ञान दूसरा हो जाएगा विमेन एम्पावरमेंट अपने आप समझ में आने लगेगा, है ना, होता है ना, इसलिए जोड़ा जाना जरूरी है। ठीक है, बाकी जो छोटा मोटा बचा है भी कल करते हैं उसको, है ना। अब इतना पहले पढ़ के आओ, एक बार पढ़ के आना, फिर उसके बाद एक का इंडिकेशन करेंगे, इंडिकेटर लेंगे, दूसरे का लेंगे, फिर तीसरे का। थैंक यू।